स्टार्ट विजय भाई ऑन द स्पॉटलाइट। सो विजय भाई, राधे राधे, जय गुरु जी। कैसे हैं आप? प्लीज अनम्यूट करें आप। राधे राधे, जय गुरु जी। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? मस्त व्यस्त और स्वस्थ हैं? और यही रहना हमने, है ना, मस्त व्यस्त और स्वस्थ। व्यस्त और स्वस्थ तो स्वस्थ वो है जो कैमरे में दिख रहे हैं। दिख रहे हैं? अच्छा, बाकी जो कैमरे में नहीं दिख रहे वो व्यस्त है। कैसे पता लगे वो व्यस्त हैं? देखो, जो दिख रहा है वो हंस रहा है, हंस रहा है बिल्कुल तो मजा आ रहा है, वाइब्रेशंस मिल रही है, वाइब्रेशन मिल रही है बिल्कुल तो बिल्कुल वी कैन फील आउट। अगर परेशान दिखेगा तो हम तुरंत अनम्यूट करके अपनी परेशानी दूर भी कर देंगे, बिल्कुल राइट? बिल्कुल सो द थिंग्स आर दैट, जब आपका कैमरा खुला होता है तो आपकी और हमारी वाइब्रेशन एक साथ मैच कर दो। मैच करती है, बिल्कुल फैक्ट बात मेरी है। हवा, विजय भाई और आप एक दूसरे को, मैं सबको देख बिल्कुल पाता हूँ। राधे सही बात है, राधे राधे। और अच्छा, राधे, मैं ये नहीं समझ पाता कि आप लोग कैमरा बंद करके रखते हो। भाई, नजर नहीं लगाऊंगा आप लोगों को, मैंने कल भी बोला था, नजर नहीं लगाऊंगा। आप अपने का आपको दिखाओ तो सही, कम से कम, ठीक है ना। जय गुरु जी हो, राधे राधे। जय गुरु जी, राधे राधे जी, राइट। सो विजय भाई, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। विजय प्लीज 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 टेक योर टाइम प्लीज। भाई, हम बात कर रहे थे, जब तक तो आप ब्लेसिंग दो, दिवाली पे क्या करना चाहिए, कुछ थोड़ा मोटा बताओ। दादा, दिवाली पे क्या करना चाहिए प्रॉपर दिवाली कैसे मनाते? भाई? थैंक यू होतल। बिल्कुल ब्लेसिंग से, आप सबको ब्लेसिंग से, एतल आपके साथ सबको ब्लेसिंग से। हमेशा मस्त रहे, स्वस्थ रहे, ठीक है ना, व्यस्त रहे, अस्त व्यस्त ना रहे। तो दिवाली पे हम लोग, दिवाली पे हमारी मेन मेन इच्छाएं क्या रहती हैं? कोई कोई बताएगा मुझे हमारी दिवाली पे मेन इच्छाएं क्या रहती हैं? हम पूछ लो क्या, पूछ लो पूछ लो। चलो मेरे सामने मंडल साहब कैसे हैं? राधे राधे जी, जी बताएं बताएं मंडल साहब, हम दिवाली पे हमारी क्या वाइब्रेशंस रहती हैं, मतलब क्या चीज हम पाना चाहते हैं दिवाली पे? क्या पाना, आप क्या पाना चाहते हो इस दिवाली पे? आपका आशीर्वाद सबसे पहले मिल जाए, आप अरे सभी लोगों का आशीर्वाद मिल जाए सबसे पहले, और आपका आशीर्वाद मिल गया तो सब कुछ मिल गया। अरे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिल्कुल, राधे रानी का आशीर्वाद है, माँ काल का आशीर्वाद है हाँ, माता जी लक्ष्मी की पूजा किया जाता है, माता काली की पूजा की जी जाती जी है, जी और जी जिसके जी पास में लक्ष्मी है आज के युग में वही सब कुछ है, अच्छा, जिसके पास लक्ष्मी नहीं है वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। असंतुष्ट, अनएग्री, संतुष्ट। डिसएग्री, हाँ, डिसएग्री इस गरीब बात का, गरीब से। नहीं आदमी नहीं का नहीं कोई नहीं दोस्त नहीं संतोष, होता है, गरीब आदमी का कोई दोस्त नहीं होता मंडल साहब, मंडल साहब, है। हाँ राहुल सर की जय हो, आशीर्वाद बिल्कुल आपका जरूरी है। हो, पर एक बात बताओ, किसने बोला कि पैसा ही सब कुछ है? गरीब बहुत आदमी कुछ का है, आप, एग्री है, बहुत कुछ है। Who गुरु said जी, that? सर, मैं 7 वर्ष से झेल रहा था और ये आप अब सात बिना, सात सात बरस से झेल रहे थे। हाँ झेल रहा था इस पैसे के, और पैसा नहीं था तो कोई पहचानता नहीं था। अब जो है आप लोगों का आशीर्वाद मिला है तो थोड़ा मोड़ा वो जो लक्ष्मी जो है आ रही है तो स्पॉटलाइट बहुत में आओ, ही आप खुशी, स्पॉटलाइट में आओ ना बाहर सर। भीतर सब खुशी हो रहा है बहुत बढ़िया, आप बहुत लोगों के बढ़िया, आशीर्वाद से। क्या रेमेडी मिली सॉल्यूशन? सबसे ज्यादा हमारे संदीप सर जो हैं, बजाज सर, उनका बिल्कुल आशीर्वाद बिल्कुल लग गया, और बिल्कुल, वो जो है अभी तक, और राहुल सर का आशीर्वाद पूरा का पूरा, क्योंकि इसमें घुसने का सबसे बड़ा रास्ता जो मिला मुझे, गेट जो मिला वो राहुल सर का है, बिल्कुल फैक्ट है। और नहीं आपकी तो जो जी, आपकी जो ये नहीं बात है मिलता ना मुझे। जी हाँ मंडल जी, हाँ आपकी जो एक बात है ना पैसे को लेके आपने बोली, तो फैक्ट है, हाँ पैसे को लेके, ठीक है, पैसा आप ऊपर नहीं ले जा सकते, पर पैसा आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है ना? हाँ क्यों, एक यही कहने का मतलब है बहुत बहुत चीजें आपका दूर, व्यथा दूर कर देता हूं मैं इस बात की। सर? सर मनी, मैं, एक हाँ सेकंड बोलिए बोलिए। मंडल साहब, तो पीछे आपका जो शोर चल रहा है उसको बंद कराओ, जो चटनी कूटी जा रही है ना, चटनी को बंद कराओ। नहीं, घर का वो नेट ठीक, क्या कहते, जाली खराब रोको हो गया उसको, तो कुछ रोको नहीं कर रोको, रहा। डिस्टर्ब कर रहा है, रोको उसको अब पहले। राहुल अच्छा भाई, अच्छा पता नहीं चटनी एक पे मिनट, चटनी कूटी जा रही है, कोई कूटा जा रहा है मालूम नहीं है, नहीं नहीं ठीक है विंडो ठीक हो रहा है, ना? विंडो विंडो ठीक हो रहा ओके है। हाँ ओके ओके, हाँ हाँ आप बताइए। मेरा है, देखो, जब आदमी के पास पैसा कम होता है ना, हाँ ये बात हमेशा भूल जाना कि लोग उससे पहचान या उससे दोस्त नहीं होते हैं, उस समय काम आने वाले वो आपके जीवन के संगी, मतलब साथ होते हैं, ठीक है? नहीं, सुनो वो तो आपने आपने वो कर दिखाया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और आपने आशीर्वाद दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं रुको, कहता हूं कि सब, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब समय हाँ का दौर चक्कर चलता है, जब पैसा बदलता है, पैसा अपना रूप दिखाता है, तब आपको लगता है, पर क्या जिनके घर पैसा नहीं वो खुश नहीं होते? सबसे बड़ी चीज आपकी हैप्पीनेस है, पैसे वालों को नींद ना आ रही,
मैं पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ है, वो मुझे सिखा दिया गया। मैं मानता हूँ जिस समय पैसा नहीं था तो आपके पास तो बहुत सारे ऐसे लोग थे ना जो आपसे कन्नी काट गए, हाँ ठीक है। हाँ मैंने 99% काट गए, 1% सुन लो सुन तो लो, काट गए ना, हाँ या नहीं बोलो बस, काट हाँ। गए। जो बचे थे वो अपने थे, जो बचे थे वो अपने थे, उनको पैसे से मोह नहीं था ना, जो बचे थे वो अपने थे ना। उस बिल्कुल पैसे सही, ने बिल्कुल उस समय की कीमत का अदा करवाई कि जो जिस समय मैं खड़ा था तूने मेरी हाँ कदर हाँ ना हाँ करी, आई ना कदर। हाँ हाँ बिल्कुल सही, पैसा बिल्कुल कहीं सही, नहीं गया बिल्कुल था, लक्ष्मी प्रभुता अबेंडेंस प्रॉस्पर्टी आपकी कहीं नहीं जाती है, क्योंकि आप कदर नहीं करते हो, इसलिए वो दूर हो जाती है उस समय के लिए। हो सकता है, हो सकता है ठीक मुझसे है, कहीं अब भूल हो कदर गया कर लो। हो। अब अगर वो कदर आ गई हो तो अब उस बात को समझ लेना कि हमें आगे कैसे बढ़ना। बिल्कुल ठीक बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हम एक आपकी चीज बात को यार, हमेशा याद रखेंगे। ये प्लेटफॉर्म इसी इसीलिए शुरू किया गया था कि जिस समय आपके पास पैसा ना होगा ना, तो उस समय और कोई ना खड़ा हो तो हम तो सॉल्यूशन देने के लिए खड़े ही ना। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही, आप तो इसके बिल्कुल सही। पूरे अनुभवी हो। हाँ एकदम, क्या मैं अब जब सबसे पहले आपसे मुलाकात हुई, मुझे तो ना बोल सकता था ना कुछ कर सकता था, और आपने मुझे ऐसे खड़ा कर दिया। आपका सबसे बड़ा योगदान है कि आपने मुझे एंट्री कर दिया, गुरु जी और का, गुरु जी का, एंट्री कर मेरा दिया। कुछ नहीं, गुरु जी का, मैं तो सिर्फ माध्यम निमित्त मात्र था। हाँ, नहीं, क्लास देखिए पैसे से नहीं इसमें होती है, आपका, अनुभव के पैसे के लिए क्लासेस नहीं करता है। तो हाँ मेक योर जी जी लाइफ जी बेटर, आपकी जीवन को बेटर बनने के लिए कार्य किया। पेट मेरे भी लगा है, विजय भाई के भी लगा है, संदीप सर के भी लगा है, और आपके भी लगा है। तो खर्चे सबके हैं तो ठीक है, बट मोर मोटिवेशन इज दैट एजुकेट योर सेल्फ। एंड मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अपने आप को बोलिए। एजुकेट कर लोगे तो कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को पढ़ा लोगे तो ये बात पता होगा कि सामने वाला आपको जो कंसल्टेशन दे रहा है वो सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं जरूरी तो नहीं। आप एक सेकंड, एक मैंने कैसे धन्यवाद व्यक्त करूं आप सब लोगों का, मुझे वो समझ में नहीं आता है। मैं देखिए रिटायर कैंपस चीफ होकर के रिटायर हुआ, लेकिन समय का ऐसा थपेरा आया कि मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। लेकिन मैं जब 23 जून को आप लोगों ने मुझे अपने आप आशीर्वाद देना शुरू किया, उसके बाद से जब मैंने सीखा, सीखने के बाद जो मेरी वो लेवल उठने, सब जगह गुरु जी गुरु जी गुरु जी, वो जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आ गया है। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे रहोगे आप, आगे और तरक्की करो, यही है। तो हाँ दूसरा प्लेटफॉर्म सिर्फ यही ये माध्यम से सब, आप हाँ ये सब आप लोगों का तक, आशीर्वाद है जो कि कभी भूला नहीं जा सकता। मैंने ये गुरु जी के आशीर्वाद हैं, और अंकों खेल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जी सबको जी अंकों के खेल इस के मंच प्लेटफॉर्म, इस राहुल मात सर, संदीप इस बजाज सर, हाँ आप ये दुबे सर, आपके रावल सर, ये सब लोग, सूर्या मैम का आशीर्वाद भी बहुत अच्छा जी मिला जी मुझे। बिल्कुल, हर गुरु जब हाँ था, गुरु गुरु के हिसाब से, गुरु जब जी आपको जी आशीर्वाद जी देता है तो गुरु की तरह कैसे ही देता है। गुरु हाँ कभी भी आपको गलत राय नहीं देता, गुरु गुरु की जगह पर राय सही देता है। ठीक है, वो गुरु जी, मेरा एक आपसे निवेदन था कि एक वो, सेकंड एक सेकंड, आपका निवेदन हम हाँ बाद में बात करेंगे, पर एक चीज बहुत अच्छी सी बात जी करेंगे। मतलब जी आपसे जी दोबारा बात करता हूँ मैं, जी सुमंडल साहब, मैं सज्जन आप सज्जन सबको जी ने, मतलब राहुल भाई, सज्जन जी ने सोचा है कि चलो एंट्री मारी लो, विदाउट टिकट ही पहुंच गया हूं, तो यही विदाउट पहला टिकट नंबर हो लगा गई, लो। नहीं टिकट किसी की नहीं है, उनका सर्टिफिकेशन अकाउंट में करवाते हैं। राइट, हाँ तो हम बात एक्चुअली कर रहे थे माध्यम। जीवन में एक चीज हमेशा याद रख, एक चीज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और हजारों लोगों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। वक्त, इंसान का वक्त जब बदलता है तो उसको कैसे पता लगता है, यू नो दैट। मतलब आप लोग इस बात से कोई बता सकते, आपको लगता है कोई भी एक आदमी यहाँ बैठा है, इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्या कोई अपना हैंड रेस करके बता सकता है कि कैसे पता लगता है आपका वक्त बदल रहा है? आपने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव गेन किया है जी। राजीव जी बताइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, सर व्हाट आई फील इज कि बेसिकली प्रायोरिटी चेंज हो जाती है सर। बेसिकली द वे अप्रोच इज द यू हैव बीन अप्रोच, मतलब ठीक यू है गेट अ फीलिंग ऑफ नेग्लिजेंस और समथिंग, यू नो, ठीक है, चलो वो एक बहुत सिचुएशन आ जाती है सर बेसिकली। छोटी छोटे से बात में हम ज्यादा समझते हैं आपकी बात को, अभी और समझते हैं। परवीन सर से बात करते हैं जी। परवीन जी, मैं जो एक्सपीरियंस किया मैंने तो कैसे पता उसमें लगता है, क्या सिग्निफिकेशंस है पता उसका? ही है कि जैसे काम जो है पता ही लगता है कि अपने आप होने लग पड़ते हैं। ठीक है जी,
विदाउट एनी हर्डल जो हम सोचते हैं वो ये वक्त बदल चुका होता तब की परिभाषा है। वक्त बदलने की परिभाषा भी मैं बताता हूँ आपको, सिग्निफिकेशन होते कैसे हैं। जी मनीष जी। सर सर सबसे पहले और मुझे जो लगता है सर कि जब हमें लगता है कि वो बदलने वाला है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा लगता है, थोड़ा सा जो निगेटिविटी है वो जाने लगती है, अच्छी अच्छी सोचे आने लगती है, अंदर से कुछ करने का जज्बा बढ़ जाता है मुझे लगता है। ठीक है जी। हेतल जी। अच्छे गुरु का मिलना, अच्छे लोगों के हमारे जीवन में आना और गाइडेंस। बहुत बड़ा पॉइंट आपने बिल्कुल ऐड किया। राइट, सो मैं आप सबको यही बात आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपका वक्त बदलने की कगार पे होता है तो एक चीज आप लोगों को बहुत क्लियर से इंडिकेशंस मिलते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से इंडिकेशंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? आपके आसपास जितने लोग हैं, जब भी अच्छा या बुरा वक्त होता है ना, आसपास के सबसे पहले जो लोग होते हैं वो बदलने शुरू हो जाते हैं, आपकी वो सर्कुलेशन नहीं रहती है। मतलब जो आपके फ्रेंड्स थे, जो आपके मित्र हैं या रिलेटिव्स हैं, वो कुछ लोग दूर होने चालू हो जाते हैं, कुछ नए लोग आपके जीवन में जुड़ना चालू हो जाते हैं। ये आप अपनी लाइफ को एनालाइज कीजिएगा। जब आपका अच्छा वक्त आना शुरू होता है, मतलब एक अगर आपको बिजनेस करना है, किसी फील्ड में आना है, तो आपको उस टाइप के लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। जब आपका पूरा का पूरा जीवन प्रतीत होता है, हितलाल ने जैसे बोला गुरु मिलना, ठीक है। गुरु की ये परिभाषा नहीं कि ऑकल्ट साइंस का गुरु हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, मैं अपने प्रोफेशनल लाइन में हूं, तो मुझे प्रोफेशनली कोई गुरु मिले, ठीक है। मुझे जो काम करना था, जो मेरी फेवरेट वक्त है, मुझे उस तरीके के काम मिलने जब मेरा वक्त बदल रहा है। राइट, हम लोगों का हर किसी इंसान के जीवन में बदलने से पहले एक इंसान एक ऐसा आता है जो आपको यूनिवर्स भेजती है और यूनिवर्स आपको इंडिकेट मैसेज करती है, द पर्सन विल बी चेंज योर लाइफ, द पर्सन विल बी चेंज योर लाइफ। आपको सिर्फ पहचानना है, सिर्फ पहचानना है उस पर्सन। आप ध्यान से देखिएगा YouTube पे 70% लोग जो परेशान होते हैं उनको यहाँ के वेबिनार के लिंक अचानक ही मिलते हैं अकड़ के। कौन है जो स्पेशली ढूंढ के आया यहाँ पे, प्लीज रेज योर हैंड। कैन यू एनीबॉडी कैन रेज योर हैंड दैट की जी अंजू ठाकुर जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। मैं संदीप बजाज जी सर का काफी टाइम से वीडियो देख रही थी, तो काफी मेरा इंटरेस्ट बना, तो फिर धीरे धीरे फिर विजय दुबे सर से जुड़ी, तो बस अब जर्नी स्टार्ट हो गई है। पर ये वीडियो अचानक से ही आपको कोई ऐसे मैसेजेस आने चालू हो जाते हैं, आपको ऐसे वीडियो आने चालू हो जाते हैं, सडनली आपके लाइफ में कनेक्टिविटी आने चाहिए, तो यूनिवर्स स्ट्रेट मैसेज आपको देती है, जस्ट रिकॉर्ड इट सर। आपकी लाइफ को बदलने का सबसे पहला सूत्र यही होता है कि जब आपको ये इंडिकेशन आने लगे, ये समझ लेना कि आपकी लाइफ बदल गई। बुरा वक्त भी किसी तरह दिखाता है कि जब आपके अच्छे घनिष्ठ मित्र, अच्छे घनिष्ठ लोग, अच्छे रिलेटिव आपसे दूर होने लग जाते हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ परेशानी आने वाली। जो आपको डेली फोन करता है, उसके 2-3 दिन से फोन नहीं आया, तो उस चीज को दूर करने के लिए उनसे दोबारा एक बार बात कर लो, उनसे दोबारा एक बार रिकनेक्ट कर लो, पुरानी चीजों को रिकनेक्ट कर लो, बहुत सारी चीजें वैसे ही सही हो जाती है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रहा हूं। राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं आज का वंडरफुल सेशन। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू किरण मैम, थैंक यू टू एवरीवन इस क्वेस्ट में, इस बात के अंदर एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे विजय दुबे सर से, विजय दुबे सर का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कल की वैसा समझी, क्योंकि कल बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैंड रेज रह गए थे, तो आज भी विजय भाई कुछ ना कुछ दिवाली पे एक नया चमत्कार फिर देके जाएंगे हमें। राइट, पर उससे पहले आप सबको विजय भाई क्वेश्चन आंसर सेशंस के माध्यम से पर मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, पहले वो लोग हैंड रेज करें जिनका कल क्वेश्चन आंसर्स रह गया, जो कल थे वो फिर दोबारा लूंगा क्वेश्चन आंसर। 11 बजे तक हूँ, 10 बजे तक पहले उन लोगों के जिनके क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे, जैसे नमिता मैम आपका हो गया था कल आचार्य जी, तो आप एक बार हैंड डाउन कर लो, 10 बजे के बाद आप अपलोड कर दीजिए। सी वी आर द फैमिली, हम सब परिवार हैं एक दूसरे के साथ। अभी नहीं आएंगे तो 10 मिनट बाद मिलेंगे जरूर। राइट, सो सक्सेना मैम भी आई हुई है। सक्सेना मैम जय गुरु जी।
विजय भाई आप क्वेश्चन लो जी, राइट, मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ 5 से 10 मिनट। कोई बात नहीं, चलिए। राधे राधे ऑल, जय गुरु जी ऑल, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मस्त हैं, व्यस्त हैं? ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेना चालू करते हैं। ठीक है, हित अर्चना जी और हितल जी आपके साथ। जी 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 जी, पहले अर्चना जी का ले लीजिए। अर्चना जी नमस्कार, जय महाकाल, बताएं। अर्चना जी अनम्यूट करें। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी जी सर, मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना था। क्या पूछना था? वो थोड़ा सा कैरियर के लिए वो ऑनलाइन काउंसलिंग करती डाइटिशियन की जी। तो ज्यादा उसका कुछ अभी ऐसा ज्यादा वो नहीं, पेशेंट वगैरह ज्यादा नहीं, घर नहीं करती है ऑनलाइन, तो कब उसका अच्छा होगा? क्योंकि वो बहुत परेशान, मतलब वो रहती है कि कैसे क्या होगा, वो विश्वास भी नहीं करती ज्यादा भी कि कैसे जब अच्छा हो तब देखे, मतलब मानती है उसकी डेट ऑफ बर्थ है। सबसे बड़ी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अच्छे की परिभाषा क्या है भाई? अच्छे मीन्स जैसे जो उसने किया, मतलब कम से कम इतना तो पैसा आ जाए, मतलब क्लाइंट से कि कुछ ठीक लगे। कितना पैसा, कितना पैसा आ जाए भाई? पैसा कई 10-15 हजार, 20 हजार महीना तो मिले जिससे कि लगे कि हाँ, मतलब कि अभी इतना भी नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है अर्चना जी, आज एक ऐसा उपाय देके जाऊंगा जिनको प्रॉब्लम है जॉब में, बिजनेस में, ठीक है, नहीं इतनी कंटिन्यूटी के बाद भी कहीं नहीं मिल रहा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप वेट करें, ठीक है, सबके लिए वो एक रामबाण इलाज करेगा, आपकी वजह से आज सबको वो मिलेगा, लास्ट में मैं देने वाला हूँ आज, ठीक है अर्चना जी, वेट कीजिएगा। राधे राधे जी। हेतल, हेतल जी नमस्कार। जय श्री कृष्ण सर। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल, बताएं। सर मेरा भी क्वेश्चन वही था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर। ऐसे तुम ब्लेस्ड हो, कोई काम अटकता नहीं, बट है ना ऐसे लगता है कि कभी कभी है ना मन चाहे काम पूरे नहीं हो रहे, चाहे मेरे हस्बैंड का, मेरा करियर ग्रोथ या बच्चों को लेकर पढ़ाई। तो मैं यही जानना चाहती थी कि क्या घर में कोई या कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसी दोष या पूजा कुछ रहा है कहना, क्यों ऐसी फाइनेंशियल। एक काम कीजिएगा अर्चना जी, हेतल जी और बाकी लोग भी, अगर लगता है कि एक उपाय तो मैं दूंगा जबरदस्त वाला, जैसे कल दिया था एक दूंगा मैं आपको, पर एक चीज बाकी लोग भी कर सकते हैं, पर आप दोनों के लिए स्पेशली है, बाकी लोग भी कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को करा सकते हैं। करना क्या है, आपने दालचीनी की स्टिक होती है, सिनेमन स्टिक जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, दालचीनी की स्टिक लेनी है, 5 स्टिक्स। पर एक चीज का ध्यान रखना है, क्या 5 स्टिक तो आपने लेनी, पर लेनी किस किस साइज की है ये मैं बताने वाला हूं। आपने करना है क्या, अगर आपने एक इतनी बड़ी ली पहली, तो दूसरी उससे छोटी हो जाएगी, तीसरी उससे छोटी हो जाएगी, चौथी उससे छोटी हो जाएगी, पांचवी उससे छोटी हो जाएगी, उन सबको एक आपने पीपी थैली आती है ना, प्लास्टिक का एनवलप सा आता है छोटा सा, उसमें डाल लेंगे, ठीक है। डालने के बाद आप अपने मंदिर में उसे रखेंगे गुरुवार वाले दिन, ठीक है, और जो भी आप पूजा करते हैं वो पूजा करेंगे, अगले दिन शुक्रवार को पूजा से, आप जो पूजा से निवृत्त होके, उसके बाद उस स्टिक को लेना है, अपने लेफ्ट हैंड में रखना है, राइट हैंड से ऐसे कवर करना है, देख लो ऐसी पोजीशन, यही पोजीशन चलेगी वहां पे, ऐसे कवर करना है, ठीक है। ऐसे कवर करने के बाद आपके मन में जो भी अभिलाषाएं हैं, जो आपने अभी बोली है उस पैसे को लेके, तो जो भी आपके भाग्य में रुकावटें आ रही हैं वो ये रुकावटें दूर करेगा। इसको आप अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं, फ्रंट जेब में कैरी कर सकते हैं, इसको रेगुलर कैरी करना चालू कर दे, और फिर देखिएगा कैसा मजा आता है इसके अंदर। राधे राधे, जय गुरु जी ऑल, जय श्री राधे, जय महाकाल। सर वो स्टिक जो है अकॉर्डिंगली साइज हम तोड़ के और वो कर लेंगे, कर ले, कोई इशू नहीं, कर ले, कोई दिक्कत नहीं। थर्सडे वाले दिन मैडम, मैंने बोला थर्सडे को करना है, ठीक है, ओके ओके, राधे राधे, ओके। फिर फ्राइडे को आप बोलो सर, एनर्जीज एक बार चेक करेंगे सर, कोई ऐसा नेगेटिविटी या मैडम? अभी नहीं, अभी मैं बाद में करूंगा, अभी क्वेश्चन आंसर्स आप लेने दे मेरे को, ठीक है ना, कल कई लोग रह गए थे, एनर्जीज हम लोग देख लेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे, अभी कर लेंगे जी। अजीता नाहर जी, कैसी हैं आप? राधे राधे। कैमरा ऑन करें, आप कैमरा ऑन करें अजीता। राधे राधे, राधे राधे, जय गुरु जी, जय महाकाल, बताएं। राधे राधे सर। राधे राधे, बोलिए बोलिए, राधे राधे।
सर मेरे को एक पूछना था कि भाई मेरा है ना जब भी नया घर लेने का होता है उसमें आगे से आगे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो फिर होता नहीं है। नहीं होता है तो ठीक है, एक काम कीजिएगा दिवाली वाले दिन से आपने जो दिवाली का दिन है उस दिन आपने 43 दीवे अलग से रख लेने हैं, 43 दिए 43 मिट्टी वाले दिए, ठीक है 43 दिए आपने अपने पास अलग से रख लेने हैं पूजन करने के बाद, उसको वहीं पे रखना है पूजन वाले टाइम में, ठीक है। और उसके बाद आपने कपूर देसी थोड़ा सा वहीं रख लेना है, ठीक है। अगले दिन से जो भी आपकी इच्छा है वो इच्छा उस दिन मांगेंगे आप दिवाली वाले दिन रात को, ठीक है, कि आपके घर में आ रही रुकावटें दूर हो। दूसरा आपने करना क्या है, अगले दिन आपने वो दीवे उठाने हैं शाम को, जब आपका समय शाम का और दिन का मिल रहा हो, रात का गोधूली जिसको हम लोग कहते हैं, उस गोधूली में एक आपने दीवा लेना है, घर के ब्रह्म स्थान में रखना है, उसके अंदर देसी कपूर डालना है, बैठ के नॉर्थ की तरफ मुंह करके जो आपकी इच्छा है घर के रिगार्डिंग उसको बोलनी है, यूनिवर्स को भेजनी है और उसको आपने बंद कर देना, जला देना है, ठीक है। जलने के बाद एकदम से हाथ मत लगाना, गर्म हो जाता है दीवा, 2 मिनट रुकेगा थोड़ा सा ठंडा होता है, उसको आपने लेना है और घर के बाहर जाके आपने अपने लेफ्ट हैंड में उसको फेंक देना, लेफ्ट हैंड में फेंकना, टूटना चाहिए वो। अच्छा जी, तो अभी फ्लैट है तो फिर बिल्डिंग के नीचे जाके फेंक दे चलेगा? चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जाके फेंक दे, बाहर निकाल देना है। ये 43 डेज तक करे, देखिए ईश्वर ने चाहा तो आपको जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी। राधे राधे और जय गुरु जी और जय महाकाल जी। सर है ना ये दुकान में पूजा करते हैं हम लोग दिवाली की, तो मार्केट लेके जाए दिए कि घर पे ही? घर पे रखना है मैम, घर पे नहीं, ये 43 दिए काम मंदिर के, घर पे रखना है, अपने घर के मंदिर में रखना है, अपने मंदिर के पास रोज एक दिया उठाना है वहां से आपने दिवाली के अगले दिन से, 43 डेज ये काम करना है, ठीक है। राधे राधे और जय गुरु जी और जय महाकाल जी। राजीव भाई आपका क्वेश्चन नहीं लेंगे, आप ऑलरेडी पहले दो बार आ चुके हो, ठीक है प्लीज बाकी लोगों का क्वेश्चन लेते हैं। राजीव भाई आप बात करें, मेरे से बात करें, अनम्यूट करें जी। राजीव सर जय गुरु जी, सर जय गुरु जी जी। मेरे को सर अपने ब्रदर की बेटी के बारे में पूछना था, और कुछ नहीं सर। मेरे लिए तो आपने इच्छा कर दिया था कि मंदिर जाऊं जी, बोले बस सर। मेरी बेटी है, मतलब वो ब्रदर की बेटी है, शी इज 2005 बॉर्न। Okay, पर बेसिकली क्या है कि as far as the brain part is concerned, that is not that very effective, sir. अभी है आपके पास? हाँ जी मेरे पास ही है सर, मैं बिठाएं, बुला रहा हूँ। बिठाएं पानी का गिलास रखें, एक बॉटल रखें। नहीं एक पानी का गिलास और पानी की बॉटल, जल्दी आ जाएं फटाफट से, मैं कुछ सिंबल डालूंगा उनके ऊपर ही, आप बैठें हीलिंग कर देंगे। जय गुरु जी जय गुरु जी सर, उसी के लिए मेरे को था कि थोड़ा बेटी का उसका हो जाए सर। बेटी आपकी हमारी भी बेटी है सर, आपकी भी है सर, बिल्कुल आप विशेष तो आपके थ्रू आ रही है सर मेरे पास तो। हाँ जी ये आ गई सर, मैं नहीं देखिए बैठ वो बैठ मिकी तू ही आ जाएगा, पानी की बोतल गिलास कर दे। बैठे 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 जल्दी जी, कैसे हैं, क्या नाम है आपका, बोलो बोलो सर, क्या नाम है आपका? नव्या, नव्या जैन है सर। नव्या नव्या ठीक है, नव्या कौन सी क्लास में आप? इसको ठीक कर। नव्या कौन सी क्लास में है? कौन सी क्लास में नव्या? चलो कोई बात नहीं, राजीव जी इनका नाम बताएं और जैसे जैसे मैं पूछूंगा बताएं जी, इनको रखे हैं मेरे सामने ही रखे। हाँ तो सामने बैठ, क्लास एक्चुअली क्लास 10th ऑनवर्ड इसने छोड़ दिया था, मतलब क्लास 8 छोड़ दिया था जी। अब क्या चाहते हो? डायरेक्ट हो गया था ड्यूरिंग द कोविड टाइम जी सर, बस इसको आशीर्वाद दें एक्चुअली लेटर, आई एम नॉट सेइंग कि स्टडीज वाइज All over basically she should be good. मतलब she can't, you know, मतलब अगर मैं से घड़ी पूछूंगा time पूछूंगा she can't even tell that. समझ गया, कोई बात नहीं, बिठाएं आप, ठीक है ठीक है, आप चिंता मत करें, 2 मिनट 1 सेकंड रुकें बस। पूजा करें, पैर चप्पल उतार दे, हाथ जोड़ के बैठे बस। आपका नाम बेटा? राजीव जी आप बोल दें, अगर वो नहीं बोल पा रही है तो। नाम? नव्या जैन सर। मदर नेम? मोनिका जैन सर। फादर नेम? राजेश जैन। कहाँ रहते हैं?
फरीदाबाद सर। क्या क्वेश्चन है आपका सर? बस इसके लिए आई जस्ट वॉन्ट टू बी शुड बी गुड फ्यूचर फॉर हर एटलीस्ट शी शुड बी वेरी प्रैक्टिकल एंड ऑल ओवर द मार्केट बेसिकली शी इज गुड कॉन्फिडेंस बेसिकली। राधे राधे, पानी पिला दीजिए इन्हें आप। ठीक है जी, पानी। मैं जल्दी से किसी के लिए उतारता नहीं हूँ, पिला दे आप। मैं जल्दी से किसी के लिए उतारता नहीं हूँ अपनी माला, पर ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चा आपका मेरा एक ही बात है जी, आप इसको पानी पिला दो और ये पानी यूज करते रहे, ठीक है। और राजीव जी, अगर आपने हीलिंग सीखी हुई है तो थोड़ा सा हीलिंग भी इसको दे। दूसरा आपने क्या करना है, आपने इसको कोशिश करें इसके हाथ से अगर ये जा पाए तो इसको रोज शिवलिंग पे जल चढ़वाएं, इससे आप मंडे से स्टार्ट करा के शुक्ल पक्ष के, ठीक है, ये करवा दो आप, ठीक है। टेंशन मत लो, चीजें अच्छी होंगी, बेटर होंगी। राधे राधे, जय गुरु जी। राहुल भाई, राधे राधे। आपका हाथ ठीक है था, देखो अब हो जाएगा सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी, आपके साथ है जी। जी नमस्कार, राधे राधे। कृष्ण मोहन जी, कृष्ण मोहन जी है, गर्ग गर्ग जी, युक्ता गर्ग जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके जी। विजय भाई एक बार आप ना ऊपर से स्टैंडर्ड व्यू कर लो सर। आप ठीक है सर, दिख रहा है आपको? हाँ बताएं बताएं जी। युक्ता गर्ग जी, जय गुरु जी, राहुल जी, जय गुरु जी, विजय सर, जय गुरु जी, जय गुरु जी, राधे राधे, राधे राधे। सर मैं ना अपने मम्मी पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ, वो बहुत दुखी है। अच्छा, क्या बात है जी। वो मेरे भाई की तरफ से भी दुखी हैं और बहन की तरफ से भी दुखी हैं। ओहो, अच्छा, ऐसा क्या प्रॉब्लम, क्या चल रही है, क्या हो गया? सर वो जो बहन के हस्बैंड हैं वो भी उस पे शक करते हैं, भाई की पत्नी उस पे शक करती है। अच्छा, और भाई मम्मी, भाई जब तो उसको जरूरत होती है मम्मी हरों को पूछता है, और जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती है फिर वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है। अच्छा, ओके 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 ओके। तो कहाँ रहते हैं वो? सर पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में, पंजाब में रहते हैं। ओके युक्ता, अभी आपके साथ है? नहीं, अलग है, आप अलग हैं, वो अलग हैं? नहीं जी, वो तो मेरे मदर फादर है ना मायके में। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। हाँ जी, तो आप क्या चाहती हैं ये बताएं मुझे। सर मैं चाहती हूँ कि वो, मतलब वो अब देखो मेरे पापा 78 के लगभग हैं। ओके, तो पता है हर बेटी को होता है कि उनका जो लास्ट टाइम होता है, चाहे जितने भी परमात्मा ने श्वास दिए हैं वो अच्छे से लास्ट टाइम अच्छे से गुजरे उनका। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटी तो सर हम सब लोग कहते हैं कि बेटी तो सुखी हो तो साथ जन, मतलब पूछते हैं सुखी हो जाती हैं। अब आपसे तो, मिलना कब होगा उनका, आपका मिलना कब होगा? सर वो मतलब मैं जा भी नहीं सकती, वो उसका भाई का पता ही नहीं कब उनसे लड़ाई कर ले। कोई ऐसी चीज है जो मम्मी पापा की छोटी सी कोई ऐसी चीज आपके पास पड़ी है अभी? ऐसा तो मेरे पास बहुत कुछ होगा सर। छोटा सा कुछ भी ले लो जो उनको देना है जाके, अभी मैं उसको थोड़ा सा एनर्जाइज करूंगा, हील करूंगा, वो उनके पास रखवानी है। रखवा दोगे आप? सर मैं कोशिश कर लूंगी, मतलब पक्का कोशिश करूंगी। कोई स्टोन पड़ा है, कुछ पड़ा है आपके पास, क्या पड़ा, ले आओ फटाफट। सर मैंने मम्मी के लिए शॉल लिया था या उनका दिया हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज आप उनको देना चाहते, शॉल लिया, शॉल ले आओ फटाफट से, आ जाओ। राधे राधे, जय महाकाल, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे जी। सर ले लिया जी, बैठ जाएं आप, आराम से नीचे बैठ जाएं आप, या चेयर पे बैठ जाएं, पैर क्रॉस नहीं करेंगे, हाथ क्रॉस नहीं करेंगे, और दोनों हाथों पे ऐसे कर लेंगे आप, रख लेंगे शॉल को, ठीक है सर? ठीक है, ठीक है, चलो ओके जी। अब जो मैं पूछूंगा वो मुझे बताते रहेंगे आप, ठीक है? ठीक है सर। शिव शिव शिव,
नाम क्या आपकी मदर का? कमलेश गर्ग। उनकी मदर का नाम? दयावंती। उनके फादर का नाम? हेमराज। कहाँ रहती हैं वो? मेरे मम्मी मौड़ मंडी। आपके ब्रदर का नाम बता दो। विशाल गर्ग। विशाल गर्ग। क्वेश्चन क्या, रिलेशनशिप इशू? हाँ जी। राधे राधे, जय माता। एक काम कीजिएगा, ये शॉल किसी साफ स्थान पे रखिएगा, गंदी ना हो पाए। दूसरा, कोशिश कीजिएगा आप जब भी जाएंगी तो आपके ब्रदर के हाथ से अगर आपकी मम्मी को पहना दी जाए, कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं पहनाता है तो आप उनको पहना देंगे, ठीक है? पहले कोशिश ब्रदर के हाथ से, जो लड़का, ठीक है? और टेंशन मत लो, चीजें सब अच्छी हो जाएंगी। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। जय गुरु। थैंक यू सर। थैंक यू। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय गुरु जी सर। जी 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 जी। जय श्री राम। नमस्कार सर। राधे राधे। राधे राधे। नमस्कार। जय महाकाल। बताएं सर। कृष्ण मोहन बोल रहा हूँ सर। कृष्ण भाई, आपके पीछे शोर बहुत है, उसको बंद करो। हाँ सर। जी बोले सर। एक हमारा ग्रैंडफादर का प्रॉपर्टी है जी, वो विलेज में है, वो थोड़ा मतलब फार्मर जो है उसको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। ओके जी। तो एक्चुअली कुछ लैंड जो था वो हम स्कूल के लिए दे दिया था जब ग्रैंडफादर थे तभी 70s में जी। अभी कुछ लैंड बचा हुआ है जी, वो लैंड हमको मतलब हासिल होना है। ओके जी। क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? मतलब जो लैंड अभी है वो लैंड हमारा इसमें हमको जो कब्जा करके रखे हैं फार्मर्स जी, वो हमको वापस आना चाहिए। अच्छा, आपको वापस आना चाहिए, वो आपको चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर वो रियली आपके लिए है तो वो आपको जरूर मिलेगा, माता रानी के आशीर्वाद से, महाकाल के आशीर्वाद से, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, आंखें बंद करके बैठ जाएं एक बार, ठीक है जी। हाथ ऐसे कर लेंगे, ऐसे, ठीक है, सीधा हाथ ऐसे, ये ठीक है, ऐसे कर लें, ऐसे करके बैठ जाए। पैरों को क्रॉस नहीं करेंगे। जिस भी ईश्वर गॉड गुरु गाइडेंस को मानते हो उनको आप याद करेंगे, ठीक है। शिव 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 शिव। आपका नाम? कृष्ण मोहन। मदर नेम? लीला। फादर नेम? चक्रपाणी। कहाँ रहते हैं आप? विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। और प्रॉपर्टी कहाँ की है ये? ये लोगिसा में है, गांव में। सर, कोई माँ माँ मुझे नजर आ रही है श्रृंगार में, आपकी कोई कुलदेवी है क्या? कुलदेवी नहीं है सर। हम रामायण, राम का भक्त है, रामायण का अर्चना होती है डेली। कोई बात नहीं सर, तो सीता माता भी तो आपकी माई है ना? जी जी, सीताराम जी। तो आप एक काम करेंगे, आप सबसे पहले आप अपने यहाँ पे या जिस जगह की लैंड, अगर वहां जगह है तो बेटर है, वहां पे एक बार रामायण का पाठ करवा दें। मतलब सुंदरकांड करने से हो जाएगा सर? रामायण का पाठ करा दे, सुंदरकांड करा दे, रामायण का पाठ करा दे, खाली सुंदरकांड भी करा देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। हम वाल्मीकि, वैसे वाल्मीकि रामायण का पारायण करते हैं जी। कहाँ? हमारे घर में, हम हमारे घर में डेली करते हैं। घर तो कर ही रहे हो, जो वो जगह आपकी बोल रहा हूँ उसके लिए बोल रहा हूँ मैं।
जी, मतलब वहां जाके वो जगह में, बिल्कुल बिल्कुल वहां पे करवाना, ठीक है। क्या बात है सर, हमको दो तीन दिन से वही ख्याल आ रहा था, हमको वहां जाके मतलब वो उधर मंदिर में या उस जगह में करने का इच्छा हो रहा था। मुझे नहीं मालूम सर, मेरी माँ ने क्या बोला मेरे को, आपको बोल दिया मैंने, आई डोंट नो, ये कृपा है जी। और आप सोच भी रहे थे दो तीन दिन से, आपको ख्याल आ रहे हैं कि मुझे कराना है, तो देखो ये मेरे थ्रू बुलवाना था और आपने करना है वो करवाएं आप। जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम, राधे राधे। सर मेरा लड़का है सर, एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन प्लीज, थोड़ा सा मानेंगे आप, बाकी लोग भी हैं, ठीक है ना, नहीं तो ये, नहीं तो ये मुझे पकड़ के कहीं मिल गए तो मारेंगे ये पकड़ के सर, दो दो क्वेश्चन। जय श्री राम, जय श्री राम। जी जी निशा भाट जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी। निशा नमस्कार जी, नीता जी नमस्कार, जय माता, बताएं। जय माता जी। मेरे दो बेटे हैं जी, रिलेशन इश्यू है जी, उसके बारे में मुझे पूछना है। क्या रिलेशन इश्यू है? वो मुझे बात, मेरे साथ बात ही नहीं करते। कब से बात नहीं कर रहे आपसे? वो ऐसा था ना, वो छोटे थे ना तो वहाँ दूर पढ़ने भेजे थे, और बाद में वो मेरे से कुछ बात नहीं करते। कब से बात नहीं कर रहे? छोटे थे, अब कितने बड़े हो गए? आप एक काम कीजिएगा, उसकी शादी भी हो गई, शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी है। अच्छा अच्छा, आपसे बात ही नहीं करता वो? नहीं। अच्छा ओके, तो जी, और दोनों बेटे बात नहीं करते? दोनों की शादी हो गई, दोनों बेटे बात नहीं करते? हाँ, आप अकेले रहते हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ मैं। अच्छा, उनको कितना टाइम हो गया आपसे अलग हुए? वो ऐसा है ना कि उसकी शादी भी हो गई, उसके और लड़का लड़की भी है, लेकिन वो मेरे से बात ही नहीं करते, ऐसा है। मेरे कहने का मतलब मैम, वो कब से आपसे अलग है? शादी को कितना टाइम हो गया आपसे? कब से अलग? दस साल, दस साल। बिल्कुल बात नहीं करते? एक चीज मुझे बताइएगा, आपके और उसके बीच में कोई बात हुई थी? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसी बात हुई है आपके बीच में? वो थोड़ा सा झगड़ा हो गया था जी। क्योंकि आप भी थोड़ी सी इगोइस्टिक है, तो आपके बीच में जो झगड़ा हुआ है ना, तो ये प्रॉब्लम है। तो देखो ऐसा है कि अब जो है ईगो को नहीं रखना चाहिए, चीजें अच्छी नहीं, नहीं, मैं कोई ईगो नहीं रखती हूँ जी। अब नहीं रखती ना, उस टाइम तो थी? नहीं, उस टाइम भी नहीं थी। अच्छा, उस टाइम भी नहीं थी आपको? नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं, काम कीजिए। सब हीलिंग करके वो सब अच्छा किया, लेकिन उसके उसे सब अच्छा हुआ, लेकिन ये बात नहीं अच्छी हुई कि वो मेरे साथ बात नहीं करते। सब अच्छा हो गया, सिर्फ बात नहीं की उसने, बाकी क्या प्रॉब्लम थी? मिलता नहीं, मिलने लग गया, सिर्फ बात नहीं करता आपसे। हाँ, है ना? हाँ जी। तो इसके लिए काम करेंगे आप थोड़ा सा, ठीक है ना, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कपूर जलाएंगे आप। जब कपूर जलाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, कपूर जलाना चालू करेंगी, खाली पूरी प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कपूर जलाएंगी, और एक फिटकरी वहां रखेंगी आप। हर रोज मैं जलाती हूँ, नॉर्थ ईस्ट में ही जलाती हूँ। अच्छा, भीम सैनी कपूर, भीम सैनी कपूर। हाँ, कब से जला रही हैं? लगभग 101-102 साल से। अब आपने वहां फिटकरी रख के जलानी है, ठीक है? फिटकरी उसके बाजू में रखू? हाँ, एलम वही रख के, एलम नहीं जलाना है, एलम को साइड रखेंगे, फिटकरी जलाना चालू करें। 43 डेज के बाद आप रेगुलर करें, आपको रिजल्ट इसका धीरे धीरे मिल जाएगा। राधे राधे। फिटकरी भी जलना चाहिए? नहीं नहीं, फिटकरी साइड पे रखेंगे बस, वही नॉर्थ ईस्ट में खाली रखना ही है। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता, जय माता जी, जय माता जी। राहुल भाई, जय गुरु जी, राधे राधे, जय गुरु जी। राइट, सो हम बात कर रहे थे विजय दुबे सर की, एक जो कल हमने बात की, क्लास आ रही है जिसमें 2 डेज का दिवाली मैजिकल वर्क रेमेडियल वर्कशॉप आ रहा है। ये खुशियों वाली हो ये दिवाली, आप सबके साथ ये दिवाली हम सब इस तरीके से मनाए ताकि हमारा जीवन उस प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़े। चलिए एक रेमेडी देता हूँ, एक सेकंड विजय भैया। ठीक ठीक ठीक, राइट, इस क्लास के साथ आप बहुत स्पेशल ऑफर मिल रहे हैं, वो भी 3 दिन। एक तो आपको विजय भाई 3 दिन, मतलब एक इसके साथ पूरी 5 दिन की एक क्लास दे रहे हैं, एक दिन की, जिसमें 5 मैजिकल पोर्टली, मतलब सरस्वती, धन्वंतरी, कुबेर, लक्ष्मी और गणेश जी की
पांच मूर्ति कैसे बनानी वो समझता है, मतलब अपना धन धान्य स्वास्थ्य विघ्न सब कैसे दूर हो, विघ्न कैसे दूर होंगे और धन धान्य कैसे बढ़ेगा, प्रॉस्पर कैसे होंगे, वो हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। एक मैजिकल पोटली जिसके अंदर धन धान्य संपदा की अबेंडेंस कैसे बन की, वो उसका पूरा अभिमंत्रित करके विजय भाई आपको गिफ्ट करने वाले हैं इस क्लास में जो ज्वाइन करें। ये 1100 रुपए की जो पोटली है वो आपको गिफ्ट की जाए। तीन हीलिंग करने वाले हैं विजय भाई इसके अंदर। एक पहले आपको क्लीजिंग एंड रिमूव योर ब्लॉकेजेस, दूसरा आपकी प्रोटेक्शन, तीसरा आपकी मनी हीलिंग। प्रॉपरली ये पूरा का पूरा गिफ्ट आपको इस 1999 क्लास के साथ मिलने। इस क्लास में सीखने वाले क्या क्या, इस क्लास में बहुत कुछ सीखने वाले, 5 से 7 अचूक टोट के जो हम सीखेंगे दिवाली को कैसे अबेंडेंस बढ़ाए। बाकी हम सीखेंगे गोमती चक्र के और क्रिस्टल के और क्या कहते हैं रुद्राक्ष के और कोड़ियों के कैसे ग्रीडिंग बने। हर एक की अपनी अपनी ग्रिड होती है जो दिवाली वाले दिन बने, कौन से हमें यंत्र मनुष्य महालक्ष्मी यंत्र शक्ति यंत्र उसमें कैसे बनाना, उसको एक्टिवेट कैसे करना है, उसके लिए कौन से और कौन कौन से मंत्रों का हमें कौन सी दिवाली की पूजा में स्पेशली हमें ध्यान रखना है पूरा हम सीखेंगे। कैसे कुबेर पोटली बनानी वो भी सीखेंगे, एक कुबेर पोटली जो आपको ये भेजने वाले दिवाली के। इसके अलावा हम सीखेंगे इसके अंदर क्या कहते हैं कौन से सिनेमा कौन से कितने तरीके, 3 तरीके की ऑयल या 2 तरीके की ऑयल है सर? ऑयल अपने 2 से 3 तरीके के ऑयल है, 2-3 प्रोटेक्शन ऑयल और अबेंडेंस ऑयल, अबेंडेंस ऑयल जी, दोनों 3 तरीके हम ऑयल सीखेंगे। साथ में हम सीखेंगे सॉल्ट मैजिक, जो आपने पहले भी यहाँ पे क्लास की होगी उसमें विजय दिवस का बहुत बड़ा रोल था। सॉल्ट मैजिक के अंदर मतलब मनी और प्रोटेक्शन सॉल्ट कैसे बनाना है वो हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। उनका रियल में यूटिलाइजेशन कैसा था, सिम्बलाइजेशन सिम्बल्स कैसे यूज करने हैं वो सीखेंगे, और घर के बाहर प्रोटेक्शन सिंबल और घर के अंदर अबेंडेंस सिंबल कैसे बनाने, वो तुरंत प्रभाव से कैसे एक्टिवेट करना और कैसे हमें हर एक व्यक्ति के लिए उसको एक्टिवेट करना वो हम इस क्लास में जी। 2 दिन का एक वास्ट टॉपिक है सर, क्योंकि क्लास ये 2 से 2.5 घंटे ऊपर ही जाने वाली है, तो 2 घंटे से ऊपर की क्लास है। 16 अक्टूबर से क्लास ये चालू हो रही है, कल से शाम को 7:30 ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो क्लास को एक दिन एक्सटेंड कर दिया जाएगा, वैसे 2 दिन की है प्लस 1 वर्कशॉप फ्री है, तो 3 दिन की आपकी क्लास 1999 में आ रही है, तो यू कैन जॉइन दिस क्योंकि इसके अंदर 1100 रुपए की प्रॉपर पोटली है। राइट सर जी, मुझे बेखा बता जी, चलिए एक रेमेडी लिख लें दिवाली वाले दिन गर्मी इसके अंदर अटूनमेंट मिलेगा, अटूनमेंट रहेगा। दूसरा बात, इसके अंदर इस क्लास की रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेशन भी आपको दिया जाएगा जी। विजय भैया अब करना क्या है दिवाली वाले दिन हमने, ठीक है ना, एक उपाय है, आपको प्रॉब्लम है पैसे से रिलेशनशिप से, ठीक है, रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है हस्बैंड वाइफ में या आपका जो भी है रिलेशनशिप का मैटर, कहीं भी किसी भी रिलेशन को लेके, ठीक है, उसमें आ रही खटास को हम कैसे हटा सकते हैं और पॉजिटिव की तरफ मोड़ सकते हैं। तो करना क्या हमने करना है, सबसे पहले एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, ओके, रेड कलर का क्लोथ लेना है। रेड कलर का क्लोथ लेने के बाद हमने गन्ने की जड़ लानी है, थोड़ी सी गन्ना होता है ना शुगर केन, उसकी जड़ लेनी है आपने, मार्केट में गन्ना बहुत मिल जाएगा, दिवाली का टाइम चल रहा है, ठीक है ना, शुगर केन का जड़ लेना है आपने। उस जड़ को आपने उस लाल में लाल कपड़े में रख के उस पर लाल सिंदूर से लाल सिंदूर रखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़कना है या टीका लगा दें, उसके बाद पोटली बना के आप जहां पे भी आपके रिलेशनशिप इशू चल रहे हैं उनकी फोटो के ऊपर रख दें या फोटो उनके पास में रख दें, इसको बीच में रख दें, तो आप देखिएगा धीरे धीरे रिलेशनशिप में जो करवाट थी वो धीरे धीरे जैसे गन्ना मीठा होता है ना वो अपने आप मीठा होना चालू हो जाएगा। राधे राधे, जय गुरु जी। जी राहुल भाई, जी राधे, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ बिल्कुल 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 जी अनुप्रिया जी, जी राधे राधे अनु प्रिया, कैसी हैं आप बताएं, राधे राधे, बोले बोले, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, थोड़ी कम आ रही है, बताएं सर, मुझे स्क्रीन डिजिट है हमेशा एक टाइम होने खत्म तकलीफ हो जाता है और दाग हो जाता है। अच्छा ओके,
किस चीज की डिजीज है आपको? कितना बार दिखाई दे, एक तो फेस का बोलते हैं कि एक ने है, और अभी एक मंथ पहले एक गर्दन पे व्हाइट व्हाइट हो रहा है, पहले तो हीट होता है बर्न जैसा लगता है, और फिर ड्राई स्किन होने के बाद खत्म होने के बाद व्हाइट हो जा रहा है अपने आप। तो ये बढ़ रहा होगा, ये बढ़ रहा होगा। हाँ हाँ, और ये अभी जस्ट हुआ है, मतलब एक मंथ के अंदर। मुझे दो चीजें एक कंफर्म करना, आप गुस्सा कितना आता है? आता तो है, कंट्रोल करती हूँ। ठीक है, दूसरा एक मुझे क्वेश्चन, माइंड कितना स्विंग होता है आपका? बहुत। हो गया दो चीजें कंप्लीट, है ना, आ गया। क्यों दो चीजें क्यों मैंने पूछी इनसे, है ना, सब लोग यही सोच रहे होंगे ये दो क्वेश्चन मैंने क्यों कर दिए, क्योंकि मुझे लगा कि ये दो क्वेश्चन ऊपर वाले ने बोला ये पूछने चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर स्किन की प्रॉब्लम राहु और चंद्र है ना प्रॉब्लम ये देते हैं, इनकी वजह से होता है। तो एक तो अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करते हैं तो राहु के और चंद्रमा के उपाय कर लेना, ठीक है, डन। दूसरा, आप जो भी अभी मेडिसिन यूज कर रही हैं, एक पानी की बॉटल रख लें, एक मेडिसिन रख लें, और जो एंटोमेंट यूज कर रही हैं लगाने का वो रख लें अपने पास फटाफट से। सर तो लेकिन पहले करती थी, अब नहीं यूज कर रही क्योंकि मेरा मन नहीं करता अब मेडिसिन खाने का। ये तो देखो खानी तो पड़ेगी ना, खाओगे जब भी आप खाना ना, आप हील करके देंगे आप खाना उसे, ठीक है, मेडिसिन अब खानी है आपने जब भी लाओगे, पर उससे पहले एक काम और कर लेना, जब मेडिसिन लेके आओगे आप, क्या मेडिसिन की एक खुराक, चाहे वो दो गोली है आपकी, तीन गोली है, पांच गोली है, या एक गोली है, पहली गोली भगवान शंकर को चढ़ा के आएंगे आप खाने से पहले, उसके बाद से आप अपनी खुराक खाना चालू करें जो भी मेडिसिन है, ठीक है, और ये दोनों उपाय कर ले, आप अच्छी हो जाएंगी, टेंशन ना ले। अभी आप लाके रख लिया आपने पानी? नहीं पानी है, मेडिसिन अभी नहीं है। मेडिसिन नहीं है कोई बात नहीं, पानी है अभी, ठीक है, पानी रखो फटाफट से, सीधे बैठ जाओ। आपका नाम? अनुप्रिया। मदर नेम? अनीता देवी। फादर नेम? प्रदीप कुमार। कहाँ रहते हो? पटेल नगर पटना। ये पानी आपने पीना है रेगुलर, ठीक है, और जब अगर मेडिसिन ले आती हो तो मेडिसिन के साथ इसको खाना, पहली मेडिसिन मैंने बोला भगवान शंकर को चढ़ानी है, जितना भी एक आपका प्रॉपर खुराक बनता है, एक गोली का दो गोली का, ठीक है, और ये पानी रेगुलर पीना चालू करें। ऑइंटमेंट होता तो वो ऑइंटमेंट लगाना चाहिए था आपको, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको पियो, चीजें अच्छी होंगी, ठीक है, गुस्सा भी शांत होगा, माइंड स्विंग्स भी रुकेंगे। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी, राहुल भाई, श्री राधे। अगला क्वेश्चन जी, राधे राधे जी, एक मंजू नागर जी, जी राधे राधे, राधे राधे सर, राधे राधे, राधे राधे जी। बेटे के बारे में पूछना था, शादी के बारे में, उसकी शादी कब होगी? उसकी शादी कब होगी? कितने साल का हो गया? अभी 89 बॉर्न है। अच्छा अच्छा, 89 बॉर्न है, तो अभी क्या करता है बच्चा? अभी वो शिकागो में मैथमेटिक्स का लेक्चर कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लड़के भी ढूंढ लिए है मगर शादी नहीं हो रही। लड़के में क्या नहीं है? नहीं, लड़के भी पसंद कर ली है, उसके साथ ही है, मगर शादी में थोड़ा अड़चन आ रही है। शादी कर लेगा, टेंशन मत ले आप एक काम कीजिएगा, ज्यादा बात है, शादी में जो अड़चने आ रही है कुछ नहीं करना आपने, आपने एक हनी की बॉटल लेनी है, ठीक है, एक हनी की बॉटल लेनी है, और हनी की बॉटल नई लेनी है, घर से मत निकाल लेना, ठीक है, हनी की बॉटल नई लानी है, छोटी बॉटल ले आएंगी, और आपने सुबह नहा धो के आप पूजा करती होंगी, है ना, तो आपने क्या करना है, तुलसी माँ के पास जाना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है, एक पीले रंग का फूल भी ले लेना गेंदे का, वो गेंदे का फूल आपने अपने सीधे हाथ से तुलसी माता को चढ़ाना है, जैसे पूजा करती है पूजा करेंगी, उसके बाद आपके बेटे के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम आपने मुझे बताई है, वो प्रॉब्लम आपने वहां पे
बोलनी है 11 बार या 108 बार? 108 बार बोलेंगी तो अच्छा है। और उसके बाद आपने शहद को खोलना है उल्टे हाथ से, सीधे हाथ से शहद को वही तुलसा माता के पास ही जमीन पे ड्रॉप डालनी है आपने, ठीक है? 6 ड्रॉप ये आप रेगुलर करना चालू करेंगी, ठीक है? और 43 डेज के लिए आप देखिएगा, ईश्वर ने चाह तो आप हमें जल्दी लड्डू खिलाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे जी, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो हम बात विजय भाई की जो क्लास है उसकी पेमेंट डिटेल्स मैंने आपको चैट में डाल दी है वैसे तो, राइट? विद अ स्पेशल ऑफर फीचर्स आपको सारे क्लास के अंदर हर चीज पूरी कवर की जा रही है जी। तो वी आर द मोस्ट वेलकम टू वंडरफुल जॉइंस, राइट विजय भैया जी? नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, एक सेकंड दीजिएगा विजय भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। राधे राधे ऑल। करिश्मा जी का, करिश्मा जी हेलो, कैसी हैं? राधे राधे करिश्मा जी आप। राधे राधे सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? राहुल सर से भी आपने, एक्चुअली आज मैंने राहुल सर को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है, इसलिए उनको मैं सॉरी बोल रही हूँ, थैंक यू बोल रही हूँ। तंग क्यों कर दिया आपने, ऐसा क्या कर दिया भाई? सर वो क्लासेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इसके लिए। अच्छा कोई बात, राधे राधे राधे, बताए बताए करिश्मा। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे जो चक्रास भी ब्लॉक है, लाइक मेरा फाइनेंस भी ब्लॉक है, कोई भी चीज करो तो वो थोड़े देर तक चलता है और अटक जाता है। चलिए सीधा बैठो, कोई भी चीज करो, सीधा बैठो फटाफट से, चलो सीधा बैठ जाओ, हाथ और पैर को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है? ओके सर, यस सर। ओके, शिव शिव शिव, क्या नाम है आपका? करिश्मा। मदर नेम? सरला। फादर नेम? विजय जी। कहाँ रहते हैं आप? लासलगांव सर। कहाँ पर चाहिए? लासलगांव कहाँ? नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा फाइनेंस ब्लॉक है और मैं कोई भी चीज करूँ तो वो अटक जाता है, या मैं समझा नहीं पाती हूँ कि मेरे को क्या बोलना है, या लोग समझ नहीं पा रहे मुझे, ऐसे हो रहा है। आप कंफ्यूज ज्यादा रहती हैं? हाँ लिटिल बिट। आपकी एनर्जीज अच्छी नहीं आ रही है करिश्मा। सर चक्रास ब्लॉक ऐसे, मतलब जो ये कहते हैं ना वो, इसे चेक करते हैं ना, उससे उन्होंने भी वही कहा कि सेम कि चक्रास ब्लॉक है, घर की एनर्जी भी ब्लॉक किए जा रही, बोले आपकी ऐसे। आपके सातों चक्रा तो खैर नहीं है ब्लॉक, आपके जो है आपके तीन चक्रा, जिसमें से तीसरा एक, दो चक्रा तो बिल्कुल ब्लॉक है, तीसरा चक्र में थोड़ी डिस्टरबेंस है ज्यादा, ठीक है ना? दो तो है ये आपके ब्लॉकेज, मतलब ज्यादा है प्रॉब्लम इसकी ना। सबसे पहली बात है करिश्मा, आपको हीलिंग करानी चाहिए अपनी, और आप हीलिंग कराएंगी ना तो आप वैसे ही बहुत ज्यादा बेटर हो जाएंगी। अपनी हीलिंग कराओ, अगर खुद को आती है तो खुद रेकी हीलिंग से खुद हील करें अपने आप को, नहीं तो आप हीलिंग कराएं किसी से जो रेकी जानता हो, एक्सपर्ट हो, उससे हीलिंग कराएं, ठीक है? राधे राधे और जय गुरु जी, और करवाओ, जरूरी है आपके लिए, ये डिस्टर्बेंस बढ़ेगी और दिक्कत करेगी, ठीक है? राधे राधे और जय गुरु जी, श्री राधे जी। राहुल भाई, राधे राधे, राधे राधे जी। जयदीप भाटिया जी आपके साथ। जयदीप जी नमस्कार, राधे राधे। सर सर नमस्ते, राधे राधे सर। कैसे हैं बटे सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपने लिया। अरे बिल्कुल ठीक हूँ सर, आशीर्वाद आपका। जी जी बताएं सर, पिछली बार मेरी बात हुई थी आपसे, तो आपने मुझे कुछ मेरे ऑफिस के अंदर कुछ प्लास्टिक के फ्लावर्स आपको दिख रहे थे जी, तो मैंने वो हटा दिए वहां से। अच्छा,
और अभी तक की जैसे कुछ सेटलमेंट दिमाग में कुछ लग नहीं रहा कि बहुत कुछ बेटर कंडीशन जा रही है, पर चेंज तो हुआ है, उसके बाद चेंज तो हुआ है आपके घूम भी बहुत रहा है, हाँ उसके बाद चेंजेस तो हुई है आपके फीलिंग मुझे ऐसी नहीं लगी जी अच्छा चेंजेस जो मुझे दिखना चाहिए शायद अभी तक वो टाइम लगेगा सर। मैंने उस दिन भी बोला था कि एक चीज आप लेके बैठे हो इतने टाइम से एनर्जी जमा करके, तो टाइम तो लगता है ना सर हर एक चीज को जी, ठीक है ना। और कुछ और भी बिल्कुल। मैंने आपको एक उपाय और बोला था कुछ करने को उसके साथ, आप सर रील्स हटाने के लिए कहा था आपने मेरे को, वो भी हटा दिए आपने, पुराने रील्स हटा दिए सर। सर काफी कुछ हटी, थोड़ी बहुत बचती है सर, वो थोड़ी बहुत भी क्यों रखी, मैंने तो मैक्सिमम हटा दी, मैंने तो कंप्लीट हटाने के लिए बोला था ना आपको सर। एक्चुअली क्यों वो जिस जिसकी है ना उनको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि ले जाओ मेरे यहाँ से जी, आप उसको एटलीस्ट वहां से तो मूवमेंट करें ना। हाँ ये कर सकते हैं, वहां से मूवमेंट करके घर पे लाके रख सकता हूँ सर मैं, वहां से मूवमेंट करके घर पे रख लो, एक बॉक्स के अंदर रख लो, पर उसको उसकी रोज मूवमेंट करना, जैसे आज यहाँ रख दिया ना आपने उठा के, तो उसको अगले दिन उठा के थोड़ा सा सरका दो, इधर उधर कर दो, ठीक है। अब आपको घर के स्टोर में लाके रख सकता हूँ मैं गुरुजी, घर के स्टोर में रखे, उसके बाद स्टोर में चेंजेस करना, और वहाँ थोड़ा सा ऐसा नहीं हो कि बाकी चीजें भी पड़ी हो ऐसी, तो वो भी हटा देना अगर कुछ दिक्कत लगे तो आपको, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले गंगा जल लेना है, और गंगा जल लेके जैसे ही आप वहां से घर निकालेंगे इसको, उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर देंगे आप जी, ठीक है। आम के पत्ते के पेड़ से, आम का पेड़ होता है ना, उसका पत्ते से छिड़काव कर देंगे, 5 पत्ते लेंगे उससे छिड़काव कर देंगे, और जब घर लाएंगे तो वहां भी छिड़काव करके रखेंगे। ये थोड़ा सा रेगुलर करना चालू कर दो, आपको मूवमेंट मिल जाएगी जल्दी, ठीक है। गंगा जल का छिड़काव ऑफिस में करूं गुरुजी? जयदीप भाई छोटा सा ब्लॉकेज है, हटा दो अभी दो, ठीक है जी। अभी एक छोटा सा ब्लॉकेज है, हटवा दो, सर बता रहे हैं उसको वहां से हटाओ, उसको एक जगह रखना नहीं है, निरंतर एक जगह रहनी नहीं है, जब तक वो हटती नहीं है। आपको जिसको देनी है दे दो, आके नक्की करो, जाके दिया हो गंगा जल छिड़को, डेली अपडेट करो, उसको सफा क्लीन करो, तो मालूम है ना जब शरीर के अंदर एक घाव होता है, घाव होता है ना, अगर उसका इन्फेक्शन थोड़ा सा भी रह गया तो वापिस घाव वापिस आ जाता है सर। उसको हटा दो, उसको पता नहीं क्या है, एलर्जी से कनेक्ट होता हूं तो मेरे को दिक्कत होती है, देखो मेरे को एकदम खांसी आसी आने लगती है, आप उसको हटा दो प्लीज, ठीक है, हटाए 100% कल की तारीख में हटा दूंगा गुरुदेव जी। थैंक यू सो मच, जय गुरुदेव, जय गुरु, जय मनोज अग्रवाल जी। हेलो गुरुजी, बोल बोलना तो गुरुजी, बोल जय गुरु जी राधे राधे, राधे राधे जी, बताएं राधे राधे जी। सर हमारा, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। हस्बैंड बैठे हैं, वो क्यों नहीं पूछते हैं, क्यों लड़ रहे हो, पूछ लो आप ही। ना ना गुरुजी, बात इसे करनी है, मैं अकेली, मेरी क्लास चल रही थी, बात इन्हें करनी है आपके लिए। अच्छा क्लास चल रही है, ओके बताएं क्या पूछना है जी। गुरुजी पूछ रही है, काम नहीं चल रहा सर, काम नहीं चल रहा, क्या काम करते हैं? बिजली का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। अच्छा तो कब से नहीं चल रही, अभी छोड़ के बैठे हैं क्या, या चल रही है, या कम चल रही है, क्या कर रखा है इन्होंने? नहीं ऐसे तो दुकान पे जाते हैं, जैसे पहले चलता चल रही थी, अचानक से दिक्कत ऐसी आ गई। अच्छा तो इसके बारे में क्या नाम है आपका, नाम क्या आपका? मेरा तो मोंटी है। इनका नाम बताएं, इनका इनका नाम क्या है? इनका मनोज। मनोज, मनोज जी ड्रिंक करते हो क्या? मनोज जी सर व्यस्त है, वो व्यस्त है, ड्रिंक करते हैं ये? नहीं। हेलो, एक सेकंड मनोज, एक सेकंड मनोज जी, मनोज जी एक जगह एक बार बैठ गया तो 5 मिनट इधर देख लो या 5 मिनट उधर देख लो जी। जी सर, क्योंकि और भी बच्चे हैं, सबको जवाब देना, कृपा करें। मनोज जी मैं सर देख रहा हूँ जी। जी मनोज जी, हमें से 5-2 मिनट जवाब कर। मनोज जी सवाल, ड्रिंक या कुछ ऐसी चीज आप लेते हैं? मनोज भैया आपसे पूछ रहे हैं सर। मैं पहले लेता था गुरुजी बियर, कभी अब वो भी बंद है। कब से बंद किया आपने? मुझे 2 महीने हो गए, मन ही नहीं करता अब लेने का गुरुजी। अच्छा 2 महीने पहले पीते थे ना, कोई बात नहीं। अब क्या करना है आपने, अपनी दुकान पे जाके एक नारियल लेना है। कभी कभी लेता था। हाँ अब आपने करना क्या, मेरी सुनो आप थोड़ी सी, आपने एक नारियल लेना है, नारियल
नारियल लेके अपने सर से पैर तक के बराबर का काला धागा, ठीक है, काला धागा लेना है, उसको नारियल पे लपेट लेना है अपने 7 बार, ठीक है, और आपने उस नारियल को दुकान पर से उतार के हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना है चरणों में उनके, ठीक है। राधे राधे, जय श्री राधे। जी 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 राहुल भाई। जय अर्जुन जी। जय अर्जुन जी। हाँ सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। राधे राधे जी। विजय भाई अनम्यूट करो, विजय भाई अनम्यूट करो। जी 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 राधे राधे जी। हाँ सर, मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत दिन से, लगभग 5 साल से मैं कर्ज से व्यस्त हूँ। अच्छा, कर्ज में डूबा हुआ हूँ। मैं किसी दूसरे को पैसा दिया था, कर्ज लेके ही पैसा दिया था। ओके। किंतु उसके वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, वो पैसा रिटर्न नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से मेरा अच्छा अच्छा काम का ऑफर भी आता है तो मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं पैसा उठाया हूँ जी उसको देना है। बिल्कुल जी, इसलिए बहुत सारी असुविधाएं हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने दिवाली वाले दिन दोपहर मंदिर जाना है आपने, हनुमान जी के मंदिर में, ठीक है। हनुमान जी के मंदिर में जाके आपने वहां पे बूंदी के लड्डू चढ़ाने हैं, और चढ़ाने के बाद आप मिठाई बांट दे पर आप खुद ना ले, ठीक है, ये आप कर लेंगे, ठीक है, ये दिवाली वाले दिन आप कर लेंगे स्टार्ट। उसके बाद आप मंगलवार को करेंगे, ठीक है जे, और जे, आपको ये 11 मंगलवार करना, ठीक है, ये आप कर लीजिए। राधे राधे। जय जी। राधे राधे जी। मैडम आरती मैम जी। नमस्ते सर। जय गुरु जी। नमस्कार। जय गुरु जी। राधे राधे जी। जी सर, एक तो मेरी एनर्जी चक्रा ब्लॉकेज वो चेक कर दीजिए, और दूसरे मुझे पूछना है, योगा सिखाती हूँ मैं, योगा क्लासेस लेती हूँ, तो कभी तो लगता है काम बहुत बढ़िया चलता है और कभी बिल्कुल डम हो जाता है, तो अच्छा। वो मुझे पूछना है इसकी क्या वजह है और क्या इसका कुछ उपाय है। तो चलिए ठीक है, आप तो खुद योगा करती है, ठीक है ना, और इतना कुछ जानती है, फिर प्रॉब्लम कैसे आ रही है, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ कोई बात नहीं, आप सीधे बैठेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे, पैर क्रॉस नहीं करेंगे, हाथ अपने गॉड गुरु गाइडेंस को याद करेंगे। आपका नाम क्या है? आरती सबरवाल। मदर नेम? उषा गुलाटी। फादर नेम? सुभाष गुलाटी। कहाँ रहती हैं? दिल्ली में, नारायणा विहार। पैरों में पेन होती है आपके? जी। मैम किताबें कितनी जमा कर रखी हैं आपने, क्या चक्कर है? जी बहुत, अभी तो बहुत निकाल दी हैं, बहुत निकाली हैं, लेकिन अभी भी बहुत है। राधे राधे राधे। किताबें सारी क्लियर करो दिवाली तक जी, सारी जो रखनी है रखो, और उसको साफ करके रखो बिल्कुल सलीके से, ठीक है, जो काम की नहीं हटाओ वहां से, आप हटा देंगी चीजें आपके लिए अपने आप एनर्जी काम करना चाहूंगी। दूसरा करना क्या आपने, आपने इतना सा पिंच ऑफ नमक लेना है, ठीक है, और ऐसे इस उंगली से लेना है, दोनों से, ये उंगली जी, और आपके जितने घर, हाँ राइट हैंड से, जितने भी घर के कोने हैं सारे कोनों में, आपके बेड पे हल्का हल्का, और आपके सोफे पे, सोफे के नीचे, जितना आपका एरिया कवर कर सकती हैं आप कवर करेंगे, ठीक है, एक ही पिंच, एक ही पिंच से? नहीं नहीं, एक एक पिंच डालना है आपने, लेके अपने साथ ले ले बाउल, हैं, और आपने करना क्या है, नमक तो लेंगे, उस नमक के अंदर थोड़ा सा कपूर मिक्स कर लेंगे, ठीक है, और तो ये एक पिंच नमक ले सकते हैं, एक चम्मच नमक लेके एक छोटी टिक्की कपूर के बीच में मिक्स कर, हाँ, पर इतना आप अपने इतने से एरिया में एक चम्मच चल जाएगा काम, तो देख लेना, चल जाएगा, एक एक चुंडी तो लेना हो जाएगा, एक पिंच में खत्म हो जाएगा सारा, ठीक है, बाहर बाहर आउटर एरिया में भी, सब में, पूरी जगह जो आपकी अपनी एरिया है, वॉशरूम छोड़ के, उसके बाद आपने करना क्या है, दिवाली वाले दिन इस कार्य को करना है, अगले दिन ये पूरा झाड़ू निकाल के इसको फ्लश कर देना, जितना भी आपको गैदर हो सके,
ठीक है, ये आप कर ले, आपकी एनर्जी खराब कर रहा है आपका सबसे ज्यादा बुक्स और जो चीजें जमा कर रखी है, ठीक है। पैर में भी दर्द आपकी उसी वजह से है, आपका जो रूट चक्रा है वो डिस्टर्ब है, ठीक है। आप इसको करिए, चीजें अच्छी होंगी, चिंता चक्रा भी डिस्टर्ब है, बिल्कुल बिल्कुल है, आपका थ्रोट चक्रा भी डिस्टर्ब है, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन चीजों को लेके आप थोड़े से कहते हैं ना उसे अंदर एक जमा कर रही है, तो ग्रजेस आपके हार्ट चक्रा में भी आ रहा है, तो तीन चक्रा को बैलेंस कर लो, ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, जय गुरु जी, राधे राधे, राधे राधे सर, जय गुरु जी, राधे राधे, जय गुरु जी, जय गुरु जी, राधे राधे। सर मुझे ना अपने हस्बैंड को लेके पूछना था। क्या पूछना ना सर? मेरे हस्बैंड जो भी काम करते हैं ना उसमें रुकावटें आती बार बार। क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड आस्था जी? सर मेरे हस्बैंड अर्बन प्लानर है। अर्बन प्लानर है, कहाँ पे? यहाँ न्यू दिल्ली में सर। न्यू दिल्ली में गवर्नमेंट सर्विस है या? नहीं गवर्नमेंट नहीं है सर, नहीं है। अपना ही करते हैं। अच्छा अपना करते हैं, तो अभी काम आता है नहीं आता या रुकता है बीच बीच में? सर जैसा कि आज राहुल सर ने डिस्क्राइब किया था, मुझे भी बस किसी के थ्रू जो है आपका वेबिनार या सर का आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला, और अब थोड़ा थोड़ा जो है काम थोड़ा सा इस मंथ से थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है सर। हस्बैंड है आपके? जी सर है जी। बात कराएंगे मेरी आप? जी सर बात करेंगे। राधे राधे, जय गुरु जी, कैसे हैं आप? नमस्कार 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 जी। काम में अभी थोड़ा ठीक है पर बीच में अप डाउन हो जाता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है मैम, आप एक काम कीजिएगा, आप ले लीजिए, आप दे दीजिए मैम को, कोई बात नहीं। जी 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 सर जी। आस्था एक काम कीजिएगा, बॉटल पानी की रख लें, बॉटल पानी हील कर रहा हूँ इनको, वो हीलिंग वाला पानी देना। और दूसरा एक काम और करना है, सारे लोग कर लें बेशक, सब लोग भी कर सकते हैं चाहे, आपने एक छोटा सा भोजपत्र लेना है, छोटा सा भोजपत्र लेना, 3x3 इंच का ले लें, छोटा भोजपत्र ले लें, ठीक है। दो दो साइज काटने 3x3 इंच के। पहले भोजपत्र पे आपने रेड कलर से ठीक है ओम बनाना है, ठीक है, अपने सिंदूर से बना सकते हैं? सिंदूर से ही बनाना है, सिंदूर से बना लें, ठीक है। और सिंदूर अवेलेबल ना हो तो रेड कलर का जेल पेन यूज कर सकते हैं, वो सेकेंडरी है, पहले हमने लेना ही सिंदूर है। उसके बाद जब आपने बना लिया, आपने उसके बाद बनाने के बाद आपने अपने हस्बैंड की फोटो आस्था जी उस जी। फोटो ऊपर रखनी है, और जो दूसरा है सेकंड जो एक और हमने लिया था पीस उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है हमने सेम रेड कलर से, ठीक है। और वो उसके ऊपर रख के आप लेमिनेट करा के अपने हस्बैंड को बोले ऊपर वाली जेब में रखेंगे। दूसरा मुझे ये बता दे, अगर वो अल्कोहल या नॉनवेज वगैरह लेते हैं तो उस दिन उसको जेब से निकाल देंगे, अगर बाई चांस मैं कह रहा हूँ अगर लेते हो तो निकाल देंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे ना, फ्रंट जेब पे लेके चलेंगे उनको फर्क पड़ेगा इससे। राधे राधे, जय गुरु जी। सर वाटर बॉटल रख दीजिए सामने जी। नाम बताए? अक्षय आनंद। इनकी मदर का नाम? गौरी सिंह। फादर नेम? प्रेम कुमार सिंह। कहाँ रहते हैं आप? सर न्यू दिल्ली में रहते हैं हम लोग। ये पानी आप इनको पिला देंगी, ठीक है जी सर, ये अच्छा है, इनको पिलाए जरूर आप, और वो भी पिलाना जब अगर इनका मन हो तो, जी सर ठीक है। राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू जी। राहुल भाई, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आपके साथ अक्सर जुड़ने से गैलेक्सी A22 जी। राधे राधे जी, प्रभु सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। राधे राधे, कैसे हैं आप? राधे राधे सर। आपका नाम क्या पहले तो ये बताएं। सर मेरा नाम है राजन नेपाल, मैं काठमांडू से हूँ।
अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। पहले भी आपसे एक बार बात हुआ था सर, बिल्कुल बिजनेस के लिए, ये विजयादशमी से थोड़ा पहले जी, और उस टाइम आपने मुझे एक पेंडुलम डाउजिंग के माध्यम से जी कुछ एनर्जी चेक किया था आपने, तो कैसी थी? तो अच्छा रहा सर आपका वो, आपने बताया था कि पशुपतिनाथ के दर्शन करके आइए राजन जी, ऐसा कुछ करके आया? हाँ करके आया सर एकदम। फिर क्या हुआ? करके तो उसके बाद मेरा एक पैसा फंसा हुआ है मार्केट में, तो एक क्लाइंट खुद घर में आके चल के आके दे गया, थोड़ा सा पेमेंट उन्होंने देके गया ना, जो मिलने की बिल्कुल आसार नहीं था वो देके गया आपको, सोचो। नहीं सर मैं 2 साल से उनसे एक्सट्रीमली मैं रूडली बिहेवियर कर रहा था, क्योंकि पेमेंट के चक्कर से मेरा अभी तक नेपाल और भारत की सीमा में आके प्रोडक्ट रुका हुआ था, रुका ही हुआ है अभी तक, अभी भी रुका हुआ है। लास्ट सीजन में भी सर आपसे मैं एक ऐसा ही कुछ बात किया था जी, आज तक वो रिलीज हुआ नहीं, उसके कारण से मैं ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स मेरा ज्यादा हो रखा हुआ है। आप दर्शन एक ही बार करके आए बस? हाँ सर आपने सोमवार को पशुपतिनाथ को दर्शन करने के लिए कहा था, बिल्कुल। अब एक काम करना है आपने, ठीक है, आपने जहाँ वो आपका सामान फंसा हुआ है वहां आप जा सकते हैं नहीं जा सकते? हाँ नजदीकी है सर, रक्सौल में आकर बैठा हुआ है, मेरे यहाँ से काठमांडू से 1 डे का ट्रैवल मुझे पता हुआ। आप एक काम करना, एक बार पशुपाल जी के दर्शन करके, पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के बाद आप घर नहीं आएंगे, ओके, सीधा वहां के लिए निकलेंगे, ये पहले तैयारी करके जाना, ठीक है, ओके। और वहां से कोशिश हो तो वहां से कोई एक फ्लावर फूल प्रसाद के रूप में अगर आपको मिल जाए, ठीक है, नहीं तो एक पंचमुखी रुद्राक्ष ले लेना वहां से, अंदर से मिल जाए तो पंडित जी से बात कर लेना, ठीक है, हो सकता है आपको मिल जाए, और उसको आप जेब में रख के जाएंगे वहां, एक बार वहां सामान तक होके आएंगे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, राधे राधे, थोड़ा सा समय है, हो जाएगा, गॉड ब्लेस जी। श्री राम, मैं जिज्ञासा रख सकता हूँ सर? हाँ जी मैं एक जिज्ञासा रख सकता हूँ? अरे बिल्कुल रखें सर, बिल्कुल बताएं। हाँ सर मेरा एक जिज्ञासा पहले वाले जो आपसे बातचीत हुआ था उसके संदर्भ में भी मेरा एक क्वेश्चंस बार बार मेरे मन में आया था, क्योंकि आपने पेंडुलम डाउजिंग के माध्यम से मुझे शायद अब क्या किया आई डोंट नो सर, मैं जानता भी नहीं, लेकिन आपने डाउजिंग के माध्यम से जब कुछ किया तो मेरा शरीर पूरा वाइब्रेट हो गया था, ऐसा क्यों हुआ पिछले क्या एक जिज्ञासा थोड़ा मेरे मन में है। वाइब्रेशंस किस टाइप की वाइब्रेशंस हुई, मतलब आपको झटके लग रहे थे, क्या हुआ? जैसे आपने डाउजिंग लिया सर उसके समय मुझे वाइब्रेशन हुआ, तो आपने एक नमक से करने के लिए एक बताया, वो मैंने कर दिया था, ये क्यों हुआ एक मन में एक जिज्ञासा था। एनर्जीज, कुछ एनर्जीज होती है जिसी कारणवश मैंने आपको बोला था, उस एनर्जी जो कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, तो कुछ पोर्शन तो उसका क्लियर हो गया आपके साथ, ठीक है ना, तो हल्का सा अभी पोर्शन है अभी, इसलिए मैंने बोला कि दोबारा दर्शन करके जाना, तो जब उस एनर्जी को हम कनेक्ट करते हैं, क्लियर करते हैं ना, यहाँ से डाउजर से क्लियर करना होता है हमें, उसको मैं क्लीन कर रहा था, तो वो कहीं ना रोकती है हमें, या आपको परेशान करेगी थोड़ा सा या मुझे करेगी, तो उस केस में आपको परेशान करना चालू किया उसने, ठीक है ना, तो वो जब भी आपको थोड़े झटके लगे, पर वो अच्छा है कि आपको उसके बाद तो रिलीफ मिला ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ ऐसा दिक्कत हुआ नहीं सर, बस कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मतलब सब अच्छा है, राधे राधे, जय गुरु जी, गॉड ब्लेस, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जी जी। राहुल भाई, मंडल जी आपके साथ है सर, जी राधे राधे, जी राधे राधे, मंडल जी बताएं। गुरु जी मैं जिस घर में हूँ वो घर में लेना चाहता हूँ, क्या ये संभव है फ्यूचर में? जिस घर में हूँ उस घर को लेना चाहते हूँ सर, इसके लिए तो आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी पर्सनल, बहुत चीजें आपसे मुझे जाननी पड़ेंगी, बहुत चीजों के बारे में बात करनी पड़ेगी, चीजें देखेंगे, कैलकुलेशन है बहुत सारी, तो इसके लिए तो आपको पर्सनल मेरे से बात करनी। इस कॉलोनी में मैं 20 बरस से रह रहा हूँ जी, जी जी, और ये कॉलोनी में मैं जब ज्वाइन किया था जी एजुकेशन इंस्पेक्टर, उसी समय में 2015 में मेरे को एक मिनिस्टर से, मिनिस्टर की बेटी का कॉपी करने
कैंसिल कर दिया था जिसके चलते मेरी नौकरी चली गई। जी जी जी। उसके बाद से मैं भटकना शुरू किया तो पता नहीं, मेरा एक ही एगो था कि मैं कोई गलत काम नहीं किया हूँ, मैं जो सामने में देखा मैंने कर दिया है, अब आप लोगों को करना है कीजिए। और ऐसी स्थिति हो गई हमारे चारों फिनेंशियल में टूट गया जी। नतीजा ये हुआ कि मेरा बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा था, वो बीच में ही छूट गया, बच्चे की पढ़ाई छूट गई। बच्चा हालांकि इस साल जो है वो एमबीए कंप्लीट किया है, बेटी एमटेक कंप्लीट की है, और आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ काम था वो भी हुआ है, आप लोगों के आशीर्वाद से ही हुआ है। अब ये घर मैं चाहता हूँ, इस घर में रहने के बाद मुझे इस घर से प्रेम हो गया, मैं ये लेना चाहता हूँ घर, क्या ये संभव है? देखिए संभव तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इसके लिए आप पर्सनल कॉल करो। बाकी मैं चीज आपको बताता हूँ, प्रेम तो कई लोगों को ऐश्वर्या राय से भी हुआ होगा, है ना? प्रेम तो कई लोगों को ऐश्वर्या राय से भी होगा, पर नहीं मिल पाई ना, मिली किसको? तो एक ये मैटर है, क्या है कि एक तृष्णा, तृष्णा तो हर एक को होती है ना किसी चीज के लिए, पर जरूरी थोड़ी है वो मिले हमें। पर इसके लिए आप मुझसे एक बार बात कर लेना सर, बाकी काफी चीजें आपके साथ इस मैटर पे डिस्कस करना पड़ेगा, काफी चीजें हैं। ठीक है सर, राधे राधे। राधे राधे, धन्यवाद धन्यवाद। राधे, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी विजय, विनी जी आपके साथ है। राधे राधे विनी जी, कैसी हैं? श्री राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे, आई एम फाइन विनी, आप बताइए। जी कुछ नहीं सर, कल के क्लास में मैं एनरोल्ड हूँ। अच्छा, आइए जी। थैंक यू। मैं आपके हर क्लास में एनरोल्ड रहती हूँ ऑलमोस्ट। मैं ट्राई करती हूँ सर। वो आपसे तो कनेक्शन ही है, पता नहीं, मतलब वो एक है कि आपका क्लास मुझे करना ही है। और सर एक क्वेश्चन था, मेरी बुआ ने ना केस डाला हुआ था प्रॉपर्टी के लिए, मेरे पापा का नाम है उसमें। तो हुआ ये है कि पहले वाले केस हम लोगों ने जीत लिया है, अभी उसने हाईकोर्ट में अप्लाई किया हुआ है जी। तो अभी तो फिलहाल हम लोगों ने केविट में रोक रखा है उसे, जैसे केविट हटेगा वो उनका केस वहां पे आ जाएगा जी। तो वो केस मुझे एक्चुअली ये जानना था कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि जस्ट वो केस कैंसिल हो जाए, बिकॉज अभी तक तो हमारा केविट है वहां पे। अच्छा। जो 3 महीने तक तो वो केस लगेगा नहीं वहां पे, मतलब वो नोटिस नहीं आएगा हमें जब तक तो वो केस अप्लाई नहीं होता है। तो इन दैट केस मतलब या तो वो केस हम लोग जीत जाएंगे या तो फिर वो केस बैकआउट कर ले, ऐसा कुछ। चलो सीधा बैठो एक बार, देखते हैं ईश्वर क्या चाहता है। ठीक है जी। आपका नाम? विनीता। पूरा नाम? आशा। फादर नेम? विद्यारत्न। कहाँ रहते हैं आप? कोल्हापुर महाराष्ट्र। बुआ का नाम क्या आपकी? शोभा। चांसेस ज्यादा अच्छे तो नहीं कह सकता मैं, ठीक है ना? चांसेस अभी तो जो एनर्जीज दिखा रहा है वो चार्जेस ज्यादा अच्छे नहीं है। एक काम करना, सबसे पहले आपके घर के अंदर मुझे कुछ पता नहीं ऐसा क्यों है, कुछ स्लाइड्स ऐसी नजर आई आपके, कुछ मुझे कप्स नजर आए, कलरफुल कप्स डिजाइन से बने हुए, ठीक है? और एक दो मुझे कुछ पैनी सी चीज नजर आई है आपके घर पे, और एक ब्राउन या रेडिश ब्लैकिश एक ब्लैंकेट या चादर है, वो है क्या आपके घर में? ब्लैंकेट है, रेड वाला है। अच्छा, और ये चीज आप अपने घर से मूव ऑन करो, जो संभाल के रखी हुई है आपने, देखो इसको हटाओ, उसको मूव करो वहां से, ठीक है? तो रेड वाला ब्लैंकेट तो यूज में होता है, लेकिन ऐसा मतलब पड़ा हुआ नहीं है। आप देखना उसको मूव ऑन करना है आप, ठीक है? वहां से निकाल दो। मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि डिस्कार्ड कर दो, बाहर फेंक दो। मूव ऑन का मतलब वहां से निकाल दो उसे,
हटा दो, दूसरी जगह पर, दूसरी जगह शिफ्ट आउट करो उसे। दूसरा, आपने इस केस के रिगार्डिंग अर्जी लगानी है भगवान भैरव पे, ओके, ठीक है, उनको बोलो, उनको गुलगुले बड़े प्रिय है भगवान को, ठीक है, तो बोलो आपको गुलगुले चढ़ाएंगे, बिल्कुल बोल के आओ, देखो बाकी ईश्वर इच्छा है वो क्या चाहता है। अभी थोड़ा सा सिनेरियो अनबेटरमेंट कह सकता हूँ, हो जा सकता, चांसेस, हाँ चांसेस है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये करोगे तो हो सकता है भगवान आशीर्वाद दे, ठीक है। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, श्री राधे जी, जय श्री राधे। वैशाली जी, हाँ जी सर, नमस्कार, राधे राधे, राधे, नमस्कार वैशाली जी, राधे राधे जी, कैसे सर आप? मेरा नंबर लग गया, अरे थैंक यू सो मच, बिल्कुल अच्छा हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद है जी, आप लोगों का आशीर्वाद है और बस आपका आशीर्वाद हमारे तरफ है सर, ऐसा ही रहना चाहिए एक्चुअली वो। जी, 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 जी। सर बस मेरा क्वेश्चन ये है, एक्चुअली मेरे हस्बैंड एक मतलब प्राइवेट कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, मार्केटिंग में है, और 8 साल हो गया, बट उनका ना पेमेंट नहीं पड़ रहा। अच्छा, अवार्ड्स मिलते हैं, बेस्ट ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है, बट पता नहीं पेमेंट जो मेन है वो नहीं होता है उनके साथ, पता नहीं क्या रीजन है। तो कोई बात नहीं, एक चेक मुझे भिजवा दो, पेमेंट मिल जाएगी, भिजवा रहे हो चेक? बिल्कुल सर, नो इश्यू सर। अच्छा, हस्बैंड का नाम क्या है? उनका नाम है जय ढोक, जे ए वाई जय और डी एच ओके ढोक। अच्छा, और उनकी मदर का नाम क्या है? उनकी मदर का नाम है मनोरमा। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम लोग नागपुर, ऑरेंज सिटी। ऑरेंज सिटी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, ऑरेंज सिटी, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन मुझे बता दें थोड़ा। मेरा क्वेश्चन बस यही है कि उनकी सैलरी इंक्रीमेंट। सैलरी इंक्रीमेंट, चलिए, शिवा। मदर नेम क्या है? मनोरमा। हस्बैंड हाइपर हो जाते हैं क्या आपके? बहुत ज्यादा। गाड़ी कौन सी है? उनके पास स्प्लेंडर, टू व्हीलर, यस यस, ऐसे नजर आ रहा है स्प्लेंडर। ब्लैक डॉग नजर आता है एक? ब्लैक डॉग, हाँ, घर के सामने एक बैठा रहता है जी। शिव शिव, ब्लैक डॉग को फीड करवाना चालू करो, ठीक है। दूसरा, हाँ, दूसरा क्या करना है कि आपने इनको बोले कि आप किसी भी दिन अपने सीनियर्स को शुक्रवार वाले दिन कुछ मीठा खिला दो, खिलाना चालू करो, ठीक है, चीजें हाँ, अच्छी हो जाएंगी। और दिवाली के बाद नवंबर से कुछ चीजें में भी कुछ बेटरमेंट के लिए, स्टार्टअप होने के लिए, ठीक है, बिल्कुल ये करो, ये काम सो मच सर, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय राधे राधे। राइट, सो विजय भाई बहुत अमेजिंग तरीके से सॉल्यूशन और एक रेमेडी दे दो फटाफट। चलिए, रेमेडी चाहिए, सॉल्यूशन भी चाहिए। क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। हां, संदीप सर का क्वेश्चन है पहले। हां, मेरे भाई कल क्या क्या गिफ्ट बांटे क्लास के लिए? सर एक बार सबसे आपसे जय गुरु जी, जो बहुत दिन का जय गुरु जी, जय गुरु जी, ऑल राधे सर, जय गुरु जी 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 सर, राधे राधे सर, राधे राधे सर, प्लीज अनम्यूट करें विजय भाई। जय गुरु जी, राधे राधे, जय गुरु जी, राधे राधे, जय गुरु जी। तो विजय दुबे सर की आ रही है बहुत ही अमेजिंग क्लास जो आ रही है कल से, 16 से शाम को 7:30 बजे, कल से ही है ना? एक सेकंड मुझे दीजिएगा, सर आपके वहां से म्यूट ऑन कीजिएगा। एक सेकंड सर, आपको आवाज आ रही? राइट, डन सर, प्लीज अनम्यूट करें सर। जी राहुल भाई, राइट, सो विजय दुबे सर की कल से आ रही है सर एक अमेजिंग क्लास, जहां पर
दो दिन के अंदर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस दिवाली रेमेडीज, 5-7 तरीके का मैजिक टोटके, उसमें अलग अलग तरीके के मैजिक सॉल्ट ऑयल्स और पूजा के यंत्र, यंत्र कैसे बनाने, यंत्र से प्रोटेक्शन यंत्र कैसे बनाना, उनको कैसे एक्टिवेट करना है, शक्ति यंत्र हम सीखेंगे। साथ ही हम पूजा के अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सीखने वाले हैं। और भी इसके अंदर बहुत कुछ है सीखने के लिए। विजय भाई ने दो दिन का एक लंबा चौड़ा कोर्स बहुत अच्छे से डिजाइन किया है सिंबल्स के साथ जी। साथ में विजय भैया इसके अंदर दे रहे हैं जैसे 3 हीलिंग, मतलब क्लीजनिंग, रिमूव द ब्लॉकेजेस, प्रोटेक्शन और मनी हीलिंग। एक बहुत बढ़िया पूरी एक क्लास 5 पोटली की, मैजिकल पोटली इसकी क्लास दे रहे हैं, जिसके अंदर सरस्वती, गणेश, धन कुबेर, धन देवी और लक्ष्मी माँ की पोटली कैसे बनानी चाहिए उन्हें। और साथ में विजय भैया ने इसके अंदर गिफ्ट दिया है 1100 रुपए की अमेजिंग पोटली, जो 3 दिन अभिमंत्रित करेंगे, वो अपने वहां पे जो हर साल करते हैं उसी दिन अभिमंत्रित करेंगे और ये वहां से दिवाली के बाद डिस्पैच करना शुरू करेंगे। थैंक यू विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आपका थैंक यू सर। जी सर, तो ब्लेसिंग है बहुत दे दी विजय भाई ने, आप भी दे दो थोड़ी सी ब्लेसिंग सर। सारी ब्लेसिंग दी है राहुल भाई, सारी की सारी हमने तो दिल खोल के दिए है ब्लेसिंग्स। लेकिन एक क्लास भी फालतू कर रहे हो ना कुछ? जी सर, जी सर, जी सर, जी 5 पोटली जिसमें सर मैं कराने वाला हूँ उसकी क्लास इनको बताऊंगा सर, वो क्लास ही क्या है सर पूरी 1499 की क्लास है सर। 1499 की क्लास है सर। ओके ओके, मार्केट में 1499 के अंदर 5-7 पोटली सिखाने की क्लास है वो सर, फ्री दे सर, वो फ्री दे दी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉस्ट वैल्यू नहीं बता रहे हैं बट बिल्कुल बिल्कुल जो गिफ्ट है वो गिफ्ट है जी। आपकी तरफ से बताओ ब्लेसिंग क्या दे रहे हैं? ये तो विजय भाई दे दी। मेरी तरफ से जो आप बोलो डियर, हम तो सेवा के बैठे हुए हैं, हम तो आशीर्वाद देने के लिए हर समय तत्पर तैयार रहते हैं सर। अबेंडेंस वाले ना बहुत अच्छे अच्छे ना वो आ रखे हैं, क्योंकि देखो सर कोई ना कोई चीज होती है दिवाली पे ऐसा तोहफा होता है जो याद रह जाता है। यस 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 राइट। तो और ऐसी चीज देनी है कि जो उनके पास 7 दिन बंद 7 रहे। ठीक है राइट। अब यार मैंने उस दिन अभी फोन किया था ऑफिस में, उस दिन ऑफिस में मैंने बात हो रही थी बच्चों से, तो बच्चों के पास है ना बहुत सुंदर सुंदर अबेंडेंस वाले और क्या कहते हैं इसके प्रोटेक्शन वाले, मनी वाले, हेल्थ वाले, बहुत सुंदर सुंदर ग्रीन कलर के मल्टी कलर में जीबू सिंबल वाले कीचेन आए हुए हैं। 600-700 रुपीज का आए थे। बहुत अच्छी डिमांड निकली है उनकी, क्योंकि वो हैवी बहुत अच्छी चीज, क्योंकि किचन में है तो साथ वो दिन भर साथ रहता है, पत्थर जेब में चुपता रहता है, बस उसमें एक प्रोटेक्शन यही रखना है कि बाथरूम ले जाते या तो उसको अच्छी तरह जेब में डालो या ना ले जा सको तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक चाह रहा था मैं कि आशीर्वाद दे दो सर 700 रुपए का। दिवाली का मौका है यार, दिवाली में हम अपने भाइयों अपनी बहनों को कितने कितने गिफ्ट बांटते हैं। साल में एक बार तो दिवाली आनी है, जीबू सिंबल का अबंडेंस आप हर एक को दो ताकि उनकी लाइफ के अंदर ढेरों आशीर्वाद आ सके। दिवाली का मौका है, उसी पोटली में ये भी हम डलवा ही कर देंगे राहुल भाई, ताकि एक ही बारी कोरियर हो जाए। राइट, आज पेमेंट करेगा उनके लिए सबके लिए ये आप करवा सकते हो सर जी। खाली 1999 की जिनकी आ गई उनकी उनको भी देंगे। क्या बात है, क्या बात है, भरोसा कैसे तोड़ेंगे यार। बहुत बढ़िया, रात को 12 बजे तक पेमेंट आ जाती है, क्योंकि कल से तो हमारी क्लास स्टार्ट ही है। जिनकी 12 बजे पेमेंट आती है और जिनकी आ गई है उनको भी हम बिल्कुल दिल खोल के ये देंगे डियर। बिल्कुल सर। तो मेन बात क्या राहुल भाई, बैच बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि विजय भाई ने बहुत दिल से बहुत शिद्दत से पढ़ाना है। तो मेरे ख्याल से 50 बच्चे बहुत रहेंगे पढ़ाने के लिए, ताकि उनको दिल से चीज समझ में आए। मेरे ख्याल से 28 पेमेंट आ गई है आपके पास। जी सर, आ चुकी है सर। बिल्कुल, तो 20-22 लोगों के लिए ये मौका है। जो लोग भी इसको जुड़ना चाहते हैं वो प्लीज जुड़े, वी आर ऑल थैंकफुल टू। आप भी इसको आशीर्वाद लो, क्योंकि 50 बच्चों से ऊपर हम नहीं लेना चाहेंगे, ताकि वो लोग दिल से सीखें और इसका आशीर्वाद आपको मिल सके। तो आज की रात अगर आप पेमेंट करते हो तो आपके लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, 600 रुपये का। जी डियर, बिल्कुल ठीक, यही है राहुल भाई, बिल्कुल यही है।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये किचन है 600 रुपीस का, जिसमें अबंडेंस सिंबल और पीछे न्यूरो कोड बना हुआ जी, मनी जी, राइट। और ये भी विजय दुबे सर को कल ही भिजवा दिया जाएगा ताकि इनकी पूजा में वो रखवा दिए जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा एनालाइज होकर आपको मिलेगा। अभी तो कह दूंगा वो कल ही 50 पीस भिजवा देगी जी। थैंक यू संदीप सर फॉर गिविंग दिस वंडरफुल गिफ्ट। ऑलवेज वेलकम राहुल भाई, थैंक्स अ लॉट टू विजय भाई जो इतने दिल से हमें आशीर्वाद देने आए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। विजय भाई की ये जो क्लास आ रही है आप लोगों के लिए रात को 12 बजे तक आप मुझे पेमेंट कर रहे हो, तो इसके साथ आपको 3 हीलिंग्स, अटूनमेंट, दिवाली और पोटली पे आपको क्लासेस, एक पोटली, 5 पोटली की क्लासेस, एक पोटली आपको प्रॉपरली गिफ्ट, और साथ में एक अबंडेंस संदीप सर की तरफ से प्रॉपर अबंडेंस किचन सिंबल बहुत अमेजिंग तरीके से आपको गिफ्ट दिया जाता है 1 ट्रिपल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो पेमेंट आपके पास है, आफ्टर द पेमेंट यू कैन शेयर द स्क्रीनशॉट एट 7715930333 पर आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर। थैंक यू संदीप सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट जी सर, क्वेश्चन दे रहे थे संजीव कुमार जी आपके साथ है जी। संजीव जी, संजीव जी जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, राधे राधे। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया प्रभु, बढ़िया। मेरा एक प्रश्न था कि मैं प्लॉट लेता हूँ, 3-4 साल पहले लिया था, तो उसमें कुछ न कुछ अड़चने आ जाती है, रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुआ है। हेलो हेलो जी जी जी, ये अड़चने ऐसी क्यों आ रही है, लगातार आ रही है? कई 4-5 प्लॉट लिया मैंने, सब में अड़चने ऐसे ही आ रही है। तो सारे प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई है आपकी अभी तक? नहीं नहीं, हो गए 2-3 हुई है। अच्छा, 2 बचा हुआ है अभी। जी जी जी, तो काफी टाइम लेता है। टाइम लेता है मींस, टाइम लेने का मतलब 4-5 साल हो गए। अच्छा, जब से लिए आपने, ठीक है जी। पेमेंट सबका क्लियर किया हुआ है, आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, अगले साल कर रहा हूँ। तो बिना रजिस्ट्री के पेमेंट कौन क्लियर करता है पहले? वो अपना आदमी है, जैसे चाचा है। अच्छा, तो अपना आदमी है जी, बाहर या जी रिलेशन जी, में या आपके रिश्तेदार है? जी जी रिलेशन में जी। तो आप क्या चाहते हैं सर, मुझे बताएं आप, क्या क्वेश्चन है आपका? रजिस्ट्री हो, जल्दी हो, जब दिया हुआ अपने साथ रजिस्ट्री होना हो। अच्छा, रजिस्ट्री हो, रजिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, डन जी। ठीक है, एक काम करें आप, ठीक है संजीव भाई, सीधा बैठ जाए आप। आपका नाम? संजीव कुमार। मदर नेम? शांति देवी। फादर नेम? भुवनेश्वरी प्रसाद यादव। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में। प्रॉपर्टी कहाँ की है? एक बिहार में, एक दिल्ली में है। सर अभी टाइम लगने वाला है आपको इसका, ठीक है, टाइम लगेगा, बट उस प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी हो जाए उसको हम सपोर्ट के लिए क्या करना है कि आपने सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में जाना है, ठीक है जी। और हनुमान जी को वहीं बैठ के आपने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, शुक्रवार के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से, ठीक है जी। और ये आपने लगातार करना है सर, कम से कम 5 मंगलवार शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करो, ठीक है, ये करें। और जिस दिन आप करेंगे, उस दिन जिस दिन आप लास्ट में समाप्त करेंगे इस पाठ को, उस दिन हनुमान जी का एक ध्वज चढ़ा देंगे लाल रंग का मंदिर के अंदर, अपनी मनोकामना को बोलते हो, तो ईश्वर ने कहा तो जल्दी ही। राधे राधे, जय बजरंग बली, श्री राधे, जय जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे जी। किरण राज जी, हाँ जी सर, नमस्कार। राधे राधे जी, नमस्कार। राधे राधे सर जी, मैम सर, मेरा देखिए, मैं एक मिनट जरा दरवाजा बंद कर दूं सर। मेरा फाइनेंशियली भी, रिलेशनशिप भी, और घर भी नहीं है, समझ नहीं आती क्या करूं लाइफ में।
मतलब क्या क्या है, मतलब क्वेश्चन बताएं क्या है आपका, क्या पूछना चाहती हैं? सर क्वेश्चन ये है कि 4-5 साल से काफी डिस्टर्ब हूँ और हस्बैंड के साथ रिलेशन भी सही नहीं है और घर में फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है, फिर ऊपर से कोविड आ गया, जो मैं काम करती थी वो भी बंद हो गया। क्या करते जैसे थे मैं लेडी सूट्स वगैरह और बेडशीट वगैरह सेल करती थी घर से, तो वो घर से वो अभी ऑनलाइन ज्यादा हो गया तो वो सब बंद हो गया। सर हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छे नहीं, हस्बैंड ड्रिंक भी करते हैं और स्मोक भी करते हैं पर काम नहीं कर रहे 2016। मतलब फिर घर कैसे चल रहा है मैम? बिटिया चला रही है सर, उसकी नेक्स्ट ईयर शादी रख, वो ससुराल वाले मांग रहे हैं पैसा है ही। क्या आप क्या क्वेश्चन क्या चाहती हैं? फाइनेंस की स्थिति थोड़ी सी सुधरे यही चाहती हैं, आए बढ़े आप यही चाहती हैं आप? ठीक है चलिए सब लोग लिख लें आपकी, वो भी बता दो एक बार, तो विजय भाई जी दिखते सॉल्यूशन, डेट ऑफ बर्थ बता दो। सर मैंने दिया हुआ है राहुल सर को, आपने सर इनकी रिपोर्ट बननी है, 11-10 रिपोर्ट बननी है सर इनकी, 11 तो रिपोर्ट गिफ्ट मिली है रिपोर्ट जी, 11-10-1963। ओके ठीक है जी, तो विजय भाई आप सॉल्यूशन दें, आपने क्या करना है दिवाली की शाम को सारे लोग लिख लें, जिनको आय में प्रॉब्लम पड़ रही है आय को बढ़ाना है, फाइनेंशियल की आय जो है आपकी, काम जो भी काम करते हैं उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है आपने दिवाली की शाम को, आपने साबुत उड़द लेने हैं, थोड़े से साबुत उड़द ले लें, थोड़ा सा दही ले लें, और आपने करना क्या है थोड़ा सा सिंदूर ले लें रेड कलर का, आपने ये तीनों ले जाके पीपल के पेड़ जो होता है उसके पास नीचे रख दे, जड़ जहां होती है जड़ पे, आईडिया से एक जड़ होती है आईडिया से रख दे वहां पे जड़ पे, और रखने के बाद जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को आपने पूर्ण करना है, ये सिर्फ दिवाली की ही रेमेडी है, ठीक है? तो ये दिवाली पे करना है, और आपकी जो मनोकामना उस मनोकामना का उच्चारण 108 बार वहीं बैठ के या खड़े होकर जो आपको ठीक लगे करना है, नमस्कार करना है और वापस आ जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक है? ये दिवाली वाले दिन होगा, इसको सारे लोग कर लें जिसको आय को बढ़ाना है या आय में डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है? राधे राधे, जय गुरु जी। जी सर मैम आपका पर्सनल ये 9 चल रहा है, एक तो हॉस्पिटल जाना स्टार्ट कर दो कल से। सर वो तो मैं जाती हूँ, मैंने आपके वो बेबी से किया हुआ ना, आपके बच्चे ने जिससे सीखा लव कुमार चौहान से मैंने कोर्स अच्छा, किया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जाती हूँ सर। ठीक है तो ये जरूर करो आप। दूसरा सर गाय रेमडीज काफी सारी करती हूँ, गाय को भी आलू और वो चींटियों को भी डाल आती हूँ आटा, वो जरूर करते रहो, क्योंकि ड्राइवर आपका 2 है, कंडक्टर आपका 4 है, पर्सनल ये 9 आ गया, तो बिल्कुल अभी बैंड बजा हुआ है। पिछले साल भी अभी कहीं ना कहीं पे बहुत टेंशन हुई थी, अब अगला साल कहीं भी है। हाँ चलो 2020 तो हर एक के लिए रहा, पर ये 2 साल आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक रहा है। अब आप फोकस करो काम क्या करना चाहते हो, अगर आप बुक्स एंड स्टेशनरी कुछ काम कर सकते हो वो काम करके देख लो, अगर आप कुछ टिफिन का काम कर सकते हो बच्चों को टिफिन करने का वो करके देख लो, तो देखो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी भाई साहब, क्या करते क्या नहीं करते छोड़ दो, कुछ ना कुछ हम कहीं ना कहीं पे काम स्टार्ट करेंगे तो आशीर्वाद आएगा। आप अगर कहीं ना कहीं पे कुछ खाने पीने काम करोगे तो वो आपके लिए ढेरों आशीर्वाद लेके आएगा। लेकिन सर गुड़गांव जैसी सिटी में खाने पीने का बाहर तो नहीं कर सकते, और घर पे टिफिन पैक करो ना, टिफिन पैक करो आप, उसी में कहीं ना कहीं पे ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे मैडम। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट मैम, ग्रेट, जय गुरु जी। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्कार, हाँ जी जय श्री बोल रही हूँ सर जी, जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी बताएं, जय गुरुदेव जी मैम। हाँ जी सर, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी तक लाइफ में, जो चाहती हूँ मिला नहीं अभी तक। मैं वो तो शाहरुख खान भी सेटिस्फाइड नहीं है, बट चाहना तो पड़ेगा ना जी, पर अभी थोड़ा वाबली, आप बताएं मेरे को करना क्या चाहते हो वो बताओ ना विजय भाई को, वो कुछ सॉल्यूशन देंगे तभी। सर थोड़ा आगे जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वहीं पे एस्टेब्लिश्ड हैं, वहीं आगे बढ़े नहीं हैं। अभी करते क्या हुआ? मैंने पार्लर का काम को सीख रखा है जी, और हाउसवाइफ हूँ। ओके हाँ जी जी विजय भाई,
मैम जो पार्लर का काम सीख रखा है तो इसको आप आगे क्यों नहीं करते हैं? या तो घर से स्टार्ट करें या कहीं पे आप जॉब भी कर सकती हैं इसके लिए। आप घर से ही करती हूँ सर, घर पे ही कर रही हूँ जी, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी तक। सेटिस्फेक्शन क्या चाहिए आपको? मुझे आगे बढ़ना है, मेरे सपने हैं कि मेरा बड़ा सैलून हो, तो उसके लिए अच्छा सा घर हो। हाँ, तो उसके लिए मेहनत करें ना। उसके लिए सैलून के लिए आपको या तो पहले स्टार्टिंग में जैसे घर से काम कर रही है तो जॉब पकड़े आप पहले, उस सैलून का प्रोस्पेक्ट सारा देखे ना। सैलून चलाना आसान नहीं है, दूर से बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बड़ा सैलून है, लोग चला रहे, इतने लोग आ रहे, नहीं। सैलून हर कोई खोलता है पर कितने कामयाब होते हैं, है ना? तो उसके लिए पहले आप सैलून तक जाएं, सैलून में जॉब करें, उसके इन आउट्स देखें कि क्या चाहिए, क्या है, क्या नहीं, फिर आगे बढ़े। बाकी एक सॉल्यूशन जी जी सर, घर पे तो करती हूं, घर पे काम करती हूं सर, घर पे काम करती हूं। हां, पर देखो है क्या, एक जो लोकल मार्केट के अंदर होता है कि कितने लोग आपकी अप्रोचेबल है, आप समझो, आप कितने लोग रोज विजिट करते हैं, कितने लोग आपके साथ दिल से जुड़ते हैं, वो समझने वाली बात है। आप अपना एक प्लान बनाओ, एक विजन बनाओ कि कैसे मुझे मार्केटिंग करनी है। देखो जो दिखता है वही बिकता है। जैसे दिवाली का मौका आ रहा है, आप इसके ऊपर 2+1, अब देखो हम भी स्कीम दे रहे हैं ना, मैंने अभी भी अपना ऑफर दिया, विजय भाई ने अपना ऑफर दिया, राहुल भाई अपनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इस समय हर एक की मार्केट का कहीं ना कहीं पे लॉस मेकिंग है या कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा हर्डल्स है जी। ऐसा नहीं ऑनलाइन वाले बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मैडम, मेहनत हर एक को करनी पड़ रही है। सर एक भाई है, पेरेंट्स है नहीं मेरे, भाई है, उनकी मैरिज नहीं हुई है, बहुत टेंशन में मैं रहती हूँ सर। नहीं मैडम, उनकी भी मैरिज करवा देंगे, उनके लिए जो भी रेमेडीज है वो विजय भाई अभी आपको बता देंगे। दिवाली आ रही है, दिवाली पे भी विजय भाई ने इतनी अच्छी रेमेडी बताई है, पीपल के वृक्ष वाली, आप करके देखो। और जितना हो सके काउस की सेवा करो, मैं खुद काउस की सेवा से बना हूँ, इसलिए 11 साल से उनकी सेवा कर रहा हूँ, आप भी करके देखो, आशीर्वाद आएगा मैम। चलिए आपको एक रेमेडी दे रहा हूँ, बाकी लोग भी कर सकते हैं, दिवाली वाले दिन होगी सिर्फ रेमेडी, जो मैं रेमेडियां दे रहा हूँ आपको उसी दिवाली वाले के लिए, ठीक है? करना क्या मैडम, आप करना, जयश्री मैम स्पेशली आप जरूर करना, आपकी वजह से सबको मिल जाएगी। आपने एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है, और टुकड़ा वो लेना जो टूटा ना हो कहीं से भी, ठीक है? और आपने अपने सीधे हाथ पे रखना है, ठीक है ना? सीधे हाथ पे रखने के बाद आप जिसको भी मानती हैं अपने गॉड गुरु गाइडेंस को, उनका आह्वान करेंगी आप कि वो आए और आपकी हेल्प करें इस फिटकरी के टुकड़े के थ्रू, कि मेरे घर में या मेरी दुकान में, या आप अपनी दुकान के लिए भी कर सकते हो, आप अपने घर के लिए भी, कि मेरी दुकान या मेरे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाए। ये कहने के बाद आपने उस फिटकरी को सीधे हाथ से आपके घर का जो चौखट होती है या आपकी दुकान की जो दरवाजा होता है वहां खड़े हो जाना है, बाहर की तरफ मुंह करके जहां से एग्जिट होता है, और उसके बाद आपने सीधा आपने अपने राइट से घूमना है उसको लेके, ऐसे अपने राइट से हाथ से लेके ऐसे घूमना है सारे कोनों में, घूमते हुए वापस आप एग्जिट की तरफ आ जाएंगे। आ जाएंगी एग्जिट की तरफ आने के बाद आपने उस फिटकरी को ले जाके, उस फिटकरी को ले जाके आपने आपके घर का या दुकान का जो भी उत्तर दिशा है वहां आपने फेंक देनी है इसको, ठीक है? और आपने पीछे नहीं मुड़ना है, चाहे कोई भी आपको कुछ बोले, आपका जानकार आवाज लगाए, कोई भी लगाए, नहीं, वापस आना है। आपने नमक से इतने इतने हाथ धोने हैं, ठीक है? अपने गॉड गुरु गाइडेंस का धन्यवाद करना है, गंगा जल की छींटे लगानी है, और जय श्री राधे। चिंता मत करें, चीजें जो भी हैं वो नेगेटिव एनर्जी सारी खत्म होगी, और आए आपके दिवाली वाले दिन, दिवाली वाले दिन, दिवाली वाले दिन शाम को कर ले, दिन में कर ले, कभी भी कर ले। राधे राधे, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सर भाई की वजह से बहुत परेशान हूँ सर। मैम अभी एक क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर अगले क्वेश्चन ले लेंगे। ये करिए, इससे क्या है, ये एनर्जी क्लीनिंग का इसलिए बोला, ये आपके भाई पे भी इफेक्ट होगा, जो ना चीजें आपके भाई के साथ भी अच्छी नहीं है तो वो भी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है जी? प्लीज सर एक बार वापस आप देखिएगा, उनको बोलो कि वो कॉफी पाउडर से स्नान करना स्टार्ट करे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। कौन से पाउडर से? कॉफी का एक पाउडर ले ले, 2 रुपए का आता है एक पाउडर या 5 रुपए का, और अपने नहाने वाले पानी में डालेंगे और 5 दिन लगातार नहालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा सनगेजिंग कर लेंगे 10 मिनट के लिए। जय श्री राधे, ठीक है मैम? मजा आए तो 43 दिन करवाओ और अच्छा रहेगा, 43 डेज के लिए करवा दो, आप देखना रिजल्ट इसके, ठीक है? इससे स्नान करने कॉफी के पाउडर से 2 रुपए का जो पाउडर आता है, 1 रुपए 2 रुपए का, वो रोज फाड़ना है, नहाने वाले पानी में डालना है और उससे नहाना है, उसके बाद 10 मिनट के लिए
तो 43 डेज, और उसके बाद 10 मिनट के लिए सूर्य की रोशनी ले ले, सन गेजिंग कर ले, मेरे को या भाई को? आप दोनों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाई को स्पेशली करा ले। राधे राधे, जय श्री राधे। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, जय श्री राधे। जी हनुमान जी, जय गुरु जी, राधे राधे सर। जय गुरु जी, जय सर। एक सवाल ऐसा है कि बीइंग अ डॉक्टर, मतलब पेशेंट को मेडिसिनली और स्पिरिचुअली कैसे मैं अच्छे से हील कर सकता हूँ, और दूसरी बात, मेरे डायग्नोसिस और प्रेडिक्शन में सटीकता और एक्यूरेसी आए, इसके लिए कुछ बताइए। हनुमान जी, आपने मेरा यंत्रा वाला वर्कशॉप किया था ना? यस सर, और पेंडुलम भी किया है। किया है ना, तो उसके अंदर एक यंत्र बताया था आपको, सटीक भविष्यवाणी का बनवाया था ना आपको? यस, बनाया आपने? समय तो बनाया था। है? बनाया था ना। बना के कहाँ रखा है? सर घर में, वो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में रखा है? नॉर्थ ईस्ट में रखना है सर, उसको नॉर्थ ईस्ट में रखें। और कब रखा हुआ है? क्या हुआ सर? कितना टाइम हो गया रखे हुए? सर अभी करीब 15 दिन तो हो गए सर। सर क्लास ही नहीं हुई 15 दिन तो मेरी? नहीं नहीं सर, आपने जो डेमो में बताया था ना, वो यंत्र मैंने रखा है सर। डेमो की यंत्र की बात नहीं कर रहा मैं, मैंने जो क्लास में यंत्र बताया है वो तो डेमो में बताया ही नहीं मैंने। सर क्लास में जो यंत्र है ना, वो मैंने इस पे बनाए और रखे हुए, वो पूजा इसमें नहीं रखे, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में उसमें एक यंत्र दिया था आपको, है ना, भविष्यवाणी के लिए, और उसके लिए आपकी साइकिक पावर बढ़ाने के लिए उस यंत्र को आप रखें, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में रखें, और रोज अफर्मेशन दें, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो आप, उसको रखें पर। ओके, राधे राधे। तो आपने बताया था उसी तरीके से बनाया है? बिल्कुल उसी तरीके से बनाया है, रख लीजिएगा। राधे राधे हनुमान जी। राधे राधे। राधे राधे सर जी। डाउजर वाली क्लास की थी ना आपने? हाँ सर, और पीएलआर में भी था सर आपकी सर। हाँ ध्यान है मुझे, पीएलआर में भी थे, डाउजर में भी थी, यंत्रा में भी थे। डाउजर की क्लास में, डाउजर की प्रैक्टिस कर रहे हो अभी रोज? सर मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, दशहरे के दिन लास्ट की थी विजयादशमी, उसके बाद से नहीं की, विजयादशमी तो लास्ट। एक बार डाउजर से जुड़ जाओ, अपनी एनर्जी खुद फील कर पाओ। ओके सर, डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे। कुछ एक चीज ऐसी होती है, अगर अच्छा गुरु आपको सिखा सके, अच्छा टैरो कार्ड सीख लेते हो, अच्छा डाउजो सीखते हो, ठीक है, ये इसमें आप लोग जवाब नहीं देते हो, ये बात मान लो मेरी बात, कि इसमें जवाब आपके मुख से नहीं आता है। ओके सर, खाली आप माध्यम होते हो, जवाब यूनिवर्स मतलब वो एनर्जी से ही देती है। जी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बता, अगर समझ लेते हैं, यहाँ विजय भाई आते हैं, पहले अपनी मेडिटेट करके आते हैं, अपना डाउजर अभी भी विजय भाई के हाथ में, वो आसपास होगा, विजय भाई डाउजर दिखाओ। पहले प्रैक्टिस करो हनुमान जी, पहले अपने आप के ऊपर, जैसे कहीं नमक छुपा दिया, कोई चीज पास अपनी, पहले अपने आप को उससे जोड़ के देखो डियर। संदीप सर, यू आर परफेक्टली करेक्ट सर, पर ऐसा कैसा है सर, जैसे आपका सामीप्य राहुल सर का और विजय सर का, जब तक सामने रहता है ना सामीप्य, तब तक आत्मविश्वास बना रहता है, दिवाली का टाइम है, विजय भाई को असिस्टेंट चाहिए, आप आ जाओ दिल्ली, सबसे बढ़िया बात है। सवाल भी पूछा था कि है ना, ये गाइड आपका गाइडेड वाइब्रेशन है कि आप सामने हो, तब तक बहुत अच्छे से हमेशा ही आपके साथ खड़े हैं। विजय भाई एक दरख्वास्त करता हूँ मैं, बताए डाउजर और यंत्र वाले बच्चों को एक बार Q&A सेशन रख देना, बिल्कुल रख देते हैं, कोई इशू नहीं है, दिवाली के बाद रख देते हैं Q&A सेशन, कोई इशू नहीं है, रख देना, ताकि ये चीज थोड़ी बहुत जो हाँ थोड़ी इजी हो जाए। कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर रेजिंग द वॉइस सर, थैंक यू सर। सर जी थैंक यू। अरे हनुमान जी, आप खुद भी अगर परिवार है यार, आप खुद भी बोलेंगे तो कोई इशू नहीं है जी। डॉक्टर तो सर्जिकल इसके बाद ज्यादा थक जाते हैं, तो आने के बाद कभी कभी उस मनस्थिति में नहीं रहता, इसलिए फिर टाल देते हैं सर, आपकी बात सही है। पर देखिए हनुमान जी, मैंने हमेशा यही बोला दोनों क्लास में, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, डाउजर को जितना अपना बनाओगे,
ये आपके साथ वर्क करेगा मिरेकुलस। मैं भी तो देखो मेरे साथ करता है ना काम ये, है ना, तो ग्रेटिट्यूड करते हैं ना हम लोग भी इसके साथ काम, तो प्रैक्टिस, क्योंकि हम भी प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा यंत्रा की भी आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको प्रॉपर डायरेक्शन में लगाएंगे, जब भी तो काम करेगा, है ना जी। इसके बाद क्लास का मुझे कॉल कर लीजिएगा जी। मनीषा जी, जय गुरु जी सर। मैंने आपसे बहुत वेबिनार देखे हैं और राहुल सर से तो मैंने ब्रेसलेट भी लिया है दो बार। क्या बात है सर, मुझे ना सर मुझे मेरी फ्रेंड के बारे में पूछना है। मुझे लगता है कि मेरे मुझे उसके लिए कुछ करना है। मेरे फ्रेंड एक्चुअली उसका और उसके हस्बैंड का कुछ मतलब अच्छा नहीं चल रहा है। उसके हस्बैंड का कहीं और एक्स्ट्रा मैरिज अलग से करीब 10 साल, और मेरी फ्रेंड को मुझे मतलब उसका जो फैमिली लाइफ है मुझे उसको वापस कर रहा है, मतलब सब ठीक कर रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ सर मुझे उसके लिए? करना तो उसको ही है। हाँ करना उसी को पड़ेगा। हाँ उसको ही करना है, लेकिन हाँ। कुछ मतलब आप बता दीजिए तो मैं कर उनको बोलूंगी करने। अच्छा चलिए एक काम करेंगी, उनके छोटा सा टोटका दे रहा हूँ मैं आपको, उनको बता दीजिएगा। एक हाँ। साबुत हल्दी की गांठ, 2 गांठें लेंगे साबुत हल्दी की, ठीक है? और जो उनके हस्बैंड वाइफ जहाँ सोते हैं ना, ठीक है, बेड में एक के सिराने के नीचे एक, एक दूसरे के सिराने के नीचे दूसरा, और ये रखना है। आपने रखने के बाद आपने इसको चेंज करना है, चेंज करते रहना है इसको 43 डेज तक रेगुलर चेंज करना है इसको। ओके ठीक है, और बाकी एक बार बात कर लेना पर्सनलाइज, फिर उसके लिए और हम लोग क्या कर सकते हैं वो देख लेंगे, ठीक है? ये करवा राधे राधे। जय गुरु जी। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कल विजय आ रही है, कल से विजय दुबे सर की क्लास आ रही है, 2 दिन की प्लस 1 दिन की एक्स्ट्रा क्लास, 3 दिन की क्लास आ रही है। दिवाली की मैजिकल रेमेडीज वर्कशॉप आप लोगों के लिए आ रही है विजय भाई की तरफ से। विजय भाई बहुत ही अमेजिंग तरीके इसके अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज, 5 से 7 अमेजिंग टोटके, ऑयल, सॉल्ट, सिंबल्स, यंत्रा, मंत्र और पूजा की विधि और बहुत कुछ बताने वाले इस क्लास के, राइट? साथ में इस क्लास के अंदर आपको 3 दिन के अंदर हीलिंग के 3 सेशन दिए जाएंगे, अट्यून किया जाएगा, 5 पोटली की एक बहुत ही वंडरफुल क्लास आपको गिफ्ट दिया, एक धन धान्य संपदा पोटली जो विजय खुद अभिमंत्रित करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, वो आपको प्रॉपरली गिफ्ट की जाएगी। सबसे बड़ी बढ़िया बात और विजय ने इतने सारे तोहफे दिए, ऊपर से संदीप सर ने उनको खेल की तरफ से आपको एक बहुत प्यारा तोहफा दिया है, वो है जिबू सिंबल्स के कीचेन। बहुत ही अमेजिंग, बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि हम स्टोन सारे दिन जेब में लेके या पर्स में डाल के नहीं रह सकते, पर हमारे की हमारे पास गाड़ी या घर की चाबियां हमारे साथ रहते हैं। तो ये कीचेन प्योर, वो भी 3 दिन चार्ज होंगे, विजय भाई के वहां पे ही जाएंगे कल, कल सुबह पहुंच जाएंगे और ये विजय भाई इसको 3 दिन में चार्ज करेंगे। ये सिंबल्स में इसका फ्रंट पार्ट जहाँ नंबर्स के कुछ कोड्स लिखे हुए हैं और पीछे सिंबल्स, बहुत अमेजिंग तरीके से सिंबल्स काम करते हैं, तो आपको प्रॉपरली इस क्लास के साथ अंको खेल की तरह से गिफ्ट दिया जा रहा है, अगर आप मुझे रात को 12 बजे तक पेमेंट करते हो, राइट? पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं 7715930333। इट्स रियली अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग क्लास आने वाली है। विजय भाई आपको इसके अंदर 5 ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल सिखाने वाले हैं जो आपके प्रोटेक्शन तो करेगी करेगी, घर के बाहर वो बनाएंगे तो प्रोटेक्ट करेंगे, घर के अंदर जो सिंबल्स बनाएंगे वो अबेंडेंस करेंगे, रूम में बनाएंगे तो वो आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रांग करेंगे, और आपको बाहर जाना तो उसके प्रोटेक्शन कैसे साथ लेके जानी है जी। इस सिंबल्स का कॉम्बिनेशन मतलब सिगली सिंबल, सिगल्स एंड जिबू सिंबल के कॉम्बिनेशंस तक आपको इसमें सिखाया जाए, ये सब चीजें आपको दिवाली पे बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करने वाली है, तो ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन। एक्चुअली दिवाली क्लासेस पर
प्लान आउट में नहीं थी पूरी तरीके से, तो विजय भाई ने बोला कि नहीं मैं अपने स्टूडेंट्स और अपने परिवार वाले बच्चों को अपनी तरफ से क्लास देना चाहता हूँ, जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं उन सबको दे पाऊँ। एक्चुअली विजय भाई पोटली ही बना रहे थे किसी अपने क्लाइंट्स के लिए, तो ये बोला कि मैं अपने बच्चों तक कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि बिना एनर्जी एक्सचेंज के वो दी नहीं जा सकती। तो एनर्जी एक्सचेंज पोर्टली को बनाने की विधि तक विजय भाई ने आपको दी, दे रहे हैं इस क्लास में जी। तो यू आर द मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वन जी। संदीप सर जूनियर राइट। सो मैं कह रहा था सर कि 11:05 की 9:05 से चालू हुए थे सर, बिल्कुल 2 घंटे हो चुके हैं, क्वेश्चन आंसर फिर भी बहुत सारे रह गए। प्लीज इसको थोड़ा सा मैनेज करें सर। चलिए एक उपाय ले लो भाई जाते जाते एक जी जी ठीक है। सिंपल टोटका है, करना है जिसकी आय में ब्रेक आ गई, पैसे में ब्रेकअप ब्रेक आ गया हो, या आय अप डाउन हो रही हो, पैसा रिटर्न नहीं मिल रहा हो, ठीक है, या सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ाना चाह रहे हो, तो करना क्या है दिवाली वाले दिन, मावस दिवाली वाले दिन आपने क्या करना है, किसी भी गरीब या जरूरतमंद, अगर वो उसमें से अंग विहीन व्यक्ति हो, अगर अंग विहीन व्यक्ति हो उसको प्रॉपर भोजन करा दें अपने घर पे या बाहर, ये हर मावस को करना है दिवाली से स्टार्ट करके, ये आप करवाना चालू कर दो, ठीक है। मावस वाले दिन करना है, दिवाली पड़ रही है, दिवाली मावस पे है, तो आपको करना क्या है दिवाली से स्टार्ट करना है, दिवाली वाले दिन ये पहला करेंगे, फिर अगला जो मावस पड़ेगा फिर करेंगे, तो ये रेगुलर आप करना चालू करो, आप खुद मिरेकल रिजल्ट इसके देखोगे। छोटा सा टोटका क्या लगना है आपका यार, 50-100 रुपया महीने में एक बार, है ना, अपने हाथ से प्रॉपर भोजन करा दो। राधे राधे, जय गुरु जी जी। जी राहुल भाई, जय गुरु जी, जय गुरु जी। विजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी, आज भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर नहीं लगे। विजय भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जी, प्लीज आप मुझे समय बताएं बहुत जल्दी, ताकि हम एक बार और रख सके आपका, ताकि दिवाली से पहले बच्चों को कुछ ना कुछ शुभ संदेश मिल पाए की लाइफ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि बड़ा दिन आते हैं तो इस बड़े दिनों में बड़े उपाय बहुत जल्दी एक्टिवेट होते हैं, बल्कि सारे ब्रह्मांड की शक्तियां इस पृथ्वी लोक पे होती हैं और सबको आशीर्वाद देने जी, तो जी। आपकी मनोकामना इस सब बच्चों की पूरी हो सके, कुछ इस तरह आपके उपाय हैं वो सब पे फल सके, बहुत जल्दी तरीके से फल सके, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। और ये सब उपाय जो आपको दिवाली के समय पर आपको बताए जा रहे हैं जी, जो इतने मल्टीपल उपाय की जो आपसे बन सकता है, मतलब इतने मल्टीपल तरह के जो उपाय हैं वो इसलिए बताया जा रहा है कि जो आपसे बन सके वो उपाय कर लो, ये बात ध्यान रखना। जैसे ही हम लोग जन्माष्टमी की बात क्रॉस करते हैं, एनर्जीज पृथ्वी लोक की तरफ आ जाती है, गणेश जी आए, शिव भगवान सर, मतलब गणपति महाराज हमारे, शिव जी महाराज खुद हमारे पास, लक्ष्मी माताएं हमारे आती हैं, श्री राम जी का वास होता है उस समय, कृष्ण जी का वास होता है इस समय पृथ्वी लोक पे, सब सब एनर्जी, सब देवता देवी देवता इन मंदिरों में विराजमान हैं और इन्हीं स्थानों पे विराजमान है, हमारे कण कण में विराजमान है, तो इस समय किया गया आपका हर उपाय कहीं ना कहीं सार्थक। तो अपने दिल से जुड़े, जो उपाय आप लोगों को बताए गए कृपया उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपकी लाइफ में यही बस कामना के साथ आज का एक चीज का समय। जी राहुल भाई, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सबको, आप लोग देखो पूजा करते हो, सब लोग करते हो दिवाली वाले दिन पूजा, ना है ना, तो एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दिवाली से 3 दिन पहले यानी कि धनतेरस से और दिवाली के अगले 3 दिन तक यानी कि टीका जिसको हम लोग कहते हैं, भैया भाई को टीका करते हैं, उस दिन तक ध्यान से थोड़ा रहिएगा, ठीक है ना, और चौराहे जो होते हैं उनको बीच में से क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि सारे आपके जैसे अच्छे पर्सन नहीं होते, है ना, वो कुछ ना कुछ अनवांटेड करना चाहते हैं, करते दूसरे अपना भला करने के लिए दूसरे का बिगाड़ना चाहते हैं, तो अपना भला कभी दूसरे के बिगाड़ने से नहीं होता है लाइफ के अंदर, ठीक है ना, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो भी मेरी माताएं बहनें हैं, बाल खोल के नहीं रखेंगी 6 दिन में, नहाने के बाद सीधा बाल खोल के नहीं जाएंगी बाहर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप लोग जितने हैं सब लोग पूजा करते होंगे दिवाली की, आज एक चीज बता रहा हूँ, काफी लोग करते हैं और काफी लोग नहीं भी करते होंगे,
दोपहर को हमेशा हनुमान जी की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ही वो शख्स थे जिन्होंने अयोध्या में आके सबसे पहले ये बताया था कि श्री राम जी आ रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर हनुमान जी की पूजा कर लोगे ना दोपहर में, तो आपके आधे संकट तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, आपकी पूजा सफल है। ठीक है, और रात को जो पूजा करते हैं दिवाली की वो तो करनी करनी है, और हनुमान जी को भोग रोट का चढ़ाएं तो बढ़िया है उस दिन दोपहर को। ठीक है, मीठी रोटी बना के चढ़ाएं। राधे राधे, जय श्री राधे, बस यही कहना चाहूंगा सर। राधे राधे, जय श्री राधे। भाई बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपने बताए, ये जितने विजय भाई ने आपको बताया, प्लीज आपको जहां जो उपाय समझ आए जीवन में वो कर। एक उपाय क्वेश्चन आंसर सेशंस, आपने इतने सारे क्वेश्चन आंसर लेने से उपाय, रीजन ये है कि आपको इतने सारे उपाय आप सबके कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं। जहाँ उपाय सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन को करना है, विजय भाई बता देते हैं ये उपाय सिर्फ इनके लिए। जी राइट, सो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, जहाँ मिल सके जिनको दे सको उनको दो, और अपनी लाइफ को और। अंकों खेल आपको इसी तरह आपकी हेल्प और इसी तरह आपके प्यार के साथ आगे बढ़ता रहेगा और निरंतर बढ़ता रहेगा। आपको लगता है कि इन उपायों से आपको कहीं फायदा हो रहा है, तो आप अपने संबंधी फ्रेंड सर्कल्स में, ये एंजल टाइम होगा सर, जी राहुल भाई। जय गुरु जी। जय। अगर आप लोगों को लगता है कि अंकों खेल के इस प्लेटफॉर्म पे वेबिनार ज्वाइन करने से आपको कहीं फायदा या कुछ अच्छी वाइब्स मिल रही हैं या अच्छे सॉल्यूशन मिल जाते हैं आपको, और आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्कल मेट बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर पाते, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हमको आप ये नहीं, आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते। ये फील किया भी मैंने कुछ दिनों में, मेरे को कई लोगों के फोन आया कि वो ऐसा था, उसकी प्रॉब्लम है और हम उसको कैसे बताएं, तो आप उनको ये वेबिनार का लिंक दे सकते। आप अपने वेबिनार का लिंक जो आपके पास आता है, आप वेबिनार का लिंक उनको दीजिए, वो जुड़ेगा तो उसकी उसका अगर सॉल्यूशन मिलेगा, अगर उसको हल मिल जाता है, अगर उसके एक सवाल से उसकी समस्या दूर हो जाती, तो उसकी ब्लेसिंग भी आप लोगों को ही मिलेगी। मिलेगी, बिल्कुल फैक्ट राइट, क्योंकि किसी भी माध्यम से आपने किसी की हेल्प करी है, किसी भी माध्यम से अगर आपने किसी की हेल्प करोगे तो उसकी ब्लेसिंग आपके साथ निरंतर जुड़ती ही रहेगी। अगर आप मुझे देख लो, विजय भाई भी देख लो, संदीप सर को देख लो, आज रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, वही चमकती आवाज के साथ आपसे बात कर रहे हो, तो वही एनर्जी के साथ, वो इतने खुश उतने ही स्माइल के साथ, ये ब्लेसिंग्स ही है। डे बाय डे परिवार बढ़ रहा है, ये ब्लेसिंग्स। ये कुछ दिनों मैंने फील किया कि सर हमारे घर में एक मेड है, वो हमसे उस समस्या में ही हमें पता पर बता नहीं थी। तो क्या बहुत सारी बातें होती है जो हमारे परिवार वाले, दोस्त वाले या हमारे ड्राइवर मेट्स हमसे शेयर नहीं कर पाते, तो आप उनको वेबिनार का लिंक, क्या पता इसी वेबिनार के माध्यम से उसकी जीवन में कुछ भला हो जाए। ऊपर वाला क्या चाहता है ये किसी को नहीं, तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ, अगर आपको लगता है कि लिंक किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में आता है तो प्लीज उनको दें, ताकि उनकी लाइफ भी और स्मूथ एंड बेटर हो सके। क्लास ज्वाइन, देखो इतने सब बच्चों में से क्लास तो हर एक बंदा ज्वाइन नहीं करता, पर यही कोशिश रहती है जो वेबिनार में भी हैं आप, तो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडेड कर पाए, आपके बात सुन पाए, आपका दुख सुन पाए, आपका दुख थोड़ा हल्का हो पाए, और कहीं ना कहीं हमारे सॉल्यूशन के माध्यम से आपकी वो समस्या जरा आपके जीवन से संपूर्णतः बाहर। बस यही एक कोशिश के साथ ये वेबिनार करते हैं और आगे चलते हैं। राइट, थैंक यू संदीप सर, टू बी मेक सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू, हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, हैप्पी ऑलवेज टू हेल्प। राइट, थैंक यू राधे राधे जी,
राधे राधे।